करो जाने दो जाने दो अरे हाय अल्लाह अरे हाय अल्लाह छोड़ दो ना छोड़ दो ना अरे पागल हो गए हो क्या तुम बाबा माफ करो बाबा माफ करो जा जा जाने दो जा जा जाने दो हाय अल्लाह हाय अल्लाह छोड़ दो ना छोड़ दो ना अरे पागल हो गए हो क्या तुम
में तुम मेरी जा फिरो ना, आओ जाने जाना मेरे दिल की सड़क पे चलो ना, लेके रूप ऐसा धूल में तुम मेरी जा फिरो ना, आओ जाने जाना मेरे दिल की सड़क पे चलो ना। सोचो जरा लड़की हूँ मैं, इतना न शर्मिंदा करो, आँखों से तुम मारो मुझे, ठोकर से फिर जिंदा करो। मैंने कहा था ना तुमसे कि मत लाया मुझे, मैंने सुनती ना कितने बोलते हो मैं पक गई हूँ तुमसे। चुप, मामा मामा माफ करो, मैं माफ करो, जाने दो, जाने दो, हाय हाय अल्लाह, हाय हाय अल्लाह, छोड़ दो ना, छोड़ दो ना, काहे भागती हो सालिमा हूँ मैं ऐसा बुरा क्या, क्यों है ऐसी जल्दी कोई वादा किसी से किया क्या, काहे भागती हो सालिमा हूँ मैं ऐसा बुरा क्या, क्यों है ऐसी जल्दी कोई वादा किसी से किया क्या। जाने भी दो पीछे हटो आगे मेरे क्यों हो खड़े, देख के चलो ऐ गुल बदन राहों में है हम भी पड़े, मुझे तो रोना आ रहा है। मत रो मत रो बेबी मत रो, मामा मामा माफ करो, मामा मामा माफ करो, जाने दो, जाने दो, हाय 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 अल्लाह, हाय 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 छोड़ दो ना, छोड़ दो ना, अरे पागल हो गए हो क्या तुम, मामा माफ करो, मामा माफ करो, जाने दो, जाने दो, हाय 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 अल्लाह, हाय 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 अल्लाह, छोड़ दो ना, छोड़ दो ना, अरे पागल हो गए हो क्या तुम। आइए सज्जनों, नमस्ते नमस्ते, तशरीफ रखिए तशरीफ रखिए। आज शहर के बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग मेरे घर में, मेरे सौभाग्य कई, इतने सवेरे सवेरे कैसे आए। दीवान बहादुर जी, हम तो आप ही की छत्र छाया में रहता है नहीं, बड़ी आपने हमारी प्लास्टिक फैक्ट्री का ब्लूप्रिंट देखा कि नहीं देखा। जी हाँ देखा, तो आप सब मिलकर 35 लाख रुपए लगाना चाहते हैं। हाँ मापा, 35 लाख एट कैश। तेरी माँ, कारोबार बड़े पैमाने पर शुरू होना चाहिए, इसलिए मेरी तरफ से 25 लाख। 25 लाख किशन सिंह जी सर, 25 लाख का चेक तैयार करके ले आओ। छोड़ दे सर, हम ना ही रुके, आज हम वसूली करते रहे। अरे कहाँ जाते हैं, हम लोग अंदर बैठा। अरे हम दो ही महीने से सब्र किए रहे, धनाते थे तो अपने घर के, हम डरने वाले ना ही। कौन है ये बदतमीज? हाँ हम काका है पहचानी, मोटरिया में बैठकर नाक ऊंची जो रहत है, पड़ोस माँ हमारे पान बीड़ी की दुकान है। किशन सिंह, इस घर में पान बीड़ी कौन मंगाता पता नहीं, तो फिर अंदर कैसे घुसा है? हाँ ये वो अपने दोनों सपूत से पूछो जो हमारे सिगरेट फूंकत रहे। क्या कर रही है? 2 महीना से 55 की उधारी चढ़ी है, चुकावे का नाम तक नहीं। किशन सिंह, मेरे बेटे सिगरेट पीते हैं, पता नहीं सब कभी देखा नहीं। सुनो पंचो, बिटवा का करते हैं ई का इलम तक नहीं, रुपया बटोरने वाले बाप हैं, पाई पाई पे नजर औलाद पर नजर नहीं। सुनो सुनो, इसे बाहर ले जाओ, 100 रुपए का नोट देके इसको चलता करो। ओके सर। हम कहते हैं कि बिटवा को कह दो कि हम आज से उधार लेंगे। सुबह सुबह आ गया दिमाग चाटने। सोचिए तो सज्जनों, इस घर में भाजी तरकारी के लिए रोज 100 रुपए का नोट निकलता, भला 55 रुपए की घटिया रकम मेरे बेटों को याद रह सकती है। दीवान बहादुर जी आप बिल्कुल सच कहते हैं। देखो हमको तो 15 लाख का उम्मीद था, 35 लाख दे दिया ना जी। तेरी माँ तेरी माँ तेरी माँ क्या मतलब है? तेरी माँ का क्या, आप समझिए ना। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा दीवान बहादुर जी हम चलता है, आपको आज्ञा दीजिए। अजी कहाँ हो तुम? मालती सुनती हो? सुन चुकी। फिर किवाड़ के पीछे कान लगाए खड़ी हो, तुमसे कितनी बार कहा इस तरह छुप के किसी की बातें सुनना भले आदमी का काम नहीं। अरे तो भली माँ का तो काम है, अब तुम ही बताओ बेटों की बुराई हो रही हो तो कौन माँ कान बंद करके खड़ी रहेगी है? तुम तो जैसे दुश्मन हो अपने बेटों के। दुश्मन मैं नहीं तुम हो, लाड़ प्यार से दोनों बेटों को बिगाड़ के रख दिया। अजी आज उन्हीं की वजह से वो दो कौड़ी का पान वाला सबके सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला के चला गया। आए है कैसी बातें करते हो, 55 की जगह उसके हाथ में 100 रुपए थमा दिए, मिट्टी की जगह इज्जत मुट्ठी में आ गई। अब तुम इतना हंगरी क्यों करते हो? क्या करता हूँ?
हंग्री 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 यानी गुस्सा है, तुम इतना भी नहीं समझते? हंग्री नहीं एंग्री, मेरे बाप अंगूठा छाप बहु लाए थे, अंगूठा छाप बनी रहो, बुढ़ापे में मेम साहब बनने की कोशिश क्यों करते हो? जिकी जिकी जिकी। चलो हेलो, परम पूज्य श्रीमान दीवान बहादुर जी बोल रहे हैं क्या? जी हाँ मैं बोल रहा हूँ, आप कौन है? हम दीवान बहादुर जी के पुत्र पवित्र कुमार उर्फ पुट्टन है। गधा कहीं का? गधे का छोटा भाई यानी आपका दूसरा बेटा चरित्र कुमार उर्फ छुट्टन भी यहाँ है। न तुम में से कोई पवित्र है न किसी का चरित्र है, कहाँ से बोल रहे हो तुम लोग? मुँह से। अरे मेरी छड़ी लाओ। छुट्टन पुट्टन है क्या? अरे छोड़ो। हेलो पापा, गधा निकम्मा आवारा तो कह चुके हैं आप, कोई और खिताब या टाइटल बाकी हो तो वो भी दे डालिए। अरे उल्लू पाजी डाकू चोर, पहले मेरी बात का जवाब दो, कहाँ हो तुम दोनों? महाबलेश्वर गए हुए हैं। महाबलेश्वर? हाँ। मुझसे पूछे बगैर? अरे क्यों पूछते, तुम उनकी पूछताछ करते हो भला, वरना जानते कि तीन दिन हो गए बेटा को गए हुए। तीन दिन से गए हुए? गायब होने की चिंता छोड़िए पापा, हम बहुत जल्द प्रकट होंगे, पूना पहुँच चुके हैं, कुछ घंटों में घर। मम्मी से कहिए गर्मा गर्म भोजन तैयार करके रखें। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ जो मम्मी से कहूँ तो कि भोजन तैयार करके रखे। देखो तुम्हारे गुस्ताख कैसे हो गए ये लोग। हेलो हेलो हेलो, लो बात करो। हेलो हेलो, अरे क्या बात करूँ, फोन तो बंद कर दिया उन्होंने। उतरा नीचे तो। तुम दोनों की ये हिम्मत, बाप किसी खेत का गाजर नहीं, मूली मूली। हाँ मूली एग्जैक्टली। तुम दोनों महाबलेश्वर गए थे, तीन दिन गए रहे मेरी इजाजत के बगैर। अरे बंद करो ये ढो। छुट्टन पुट्टन क्या हो गया मेरे बच्चों? कद्दू हुआ कद्दू कद्दू। अच्छी हाय माँ सब कहे, देखो ना महाबलेश्वर कितनी ठंडी जगह है, बिना मफलर के घूमेंगे इसीलिए बच्चों के सर में सर्दी समा गई। सर्दी नहीं चर्बी समा गई, जूते पड़ेंगे तब पिघलेगी। तुम तो जैसे दुश्मन हो गए हो मेरे बेटों के। अच्छी हाँ चलो जल्दी से माँ तुम्हारे सर में बांध माले, बिल्कुल ठीक हो जाओ। हाँ जरूर मलिए जरूर मलिए, और पालने में सुला के लोरी गाई है। अरे मुझ दाढ़ी निकलाई मुस्टंडो की, अभी तक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। अच्छा दिन रात गाली गलौज करते रहते हो तो कैसे समझेंगे बच्चे? अरे बच्चों को तो प्यार मोहब्बत से समझाया जाता है। अच्छी अरे चुप, तुम्हारे प्यार मोहब्बत ने क्या गुल खिला है, ये सामने बैठे हैं दो नगीने। अच्छी फिर हीरा है मेरे दोनों बेटे हीरा, अब कह ही कह सकते बेचारे जब बाप ही को उन पर फेंट नहीं। फेंट क्या नहीं? अरे फेंट 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 यानी भरोसा, अंग्रेजी नहीं समझते? अरे अंगूठा छाप फेथ बोलो, फेथ अंग्रेजी के टांग क्यों तोड़ती हो? अरे वही मतलब था मेरा, तुम एक बार इन्हें जिम्मेदारी सौंप कर तो देखो। अरे आपसे आप सुधर जाएंगे, नाम ऊंचा करके दिखाएंगे। हाँ तुम्हारे जितना ऊंचा करके दिखा। क्या कहा? अरे नहीं किया तो झाड़ू लगाना मेरे मुंह पर। ठीक है तो एक नई झाड़ू मंगवा कर रखना। नमस्कार नमस्कार बॉस, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अब कई दिन से मोटा कंपनी के ऑफिस में नहीं आए बॉस। हाँ दूसरे कंपनी में उलझा हुआ तो बात क्या है? एक जरूरी कागज पर सही करना है। लो अरे लाओ। अब क्या किया मेरे बच्चों ने? इन दोनों को जिम्मेदारी सौंप रहे इधर आप। मैनेजर जी आज मैं दस्तखत कर देता हूँ, कल से ये दोनों लड़के तुम्हारे बॉस हैं। नमस्कार बॉस नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर। अजी सुनते हो 7 बजकर बच्चा अभी तक घर नहीं लौटे। मतलब क्या तुम्हारा? लगन से काम में जुट गए होंगे तो मैं मालूम है दोपहर को खाना खाने भी नहीं आए। नाम रोशन करेंगे मेरे लाल, हीरा है हीरा। भगवान करे तुम्हारी उम्मीदें सच हो, हमारे बेटे हीरे जवाहरात बने। एक बार ऑफिस जाके देखा हूँ क्या कर रहे हैं वो लोग। अरे तो जाते क्यों, नीचे से मैनेजर को फोन करके पूछ लो। हाँ मैनेजर को फोन कर लेता हूँ। वो तकलीफ आप कर दीजिए बॉस, अरे मैं खुद आ गई हूँ। अरे तुम कैसे आ गए? ये मत पूछिए। हमारे बेटे कैसे काम कर रहे हैं? वो भी मत पूछिए। अरे दफ्तर कैसे चल रहा है? चल नहीं रहा है, मचल रहा है, उछल रहा है। हाँ
जाओ तुम दोनों जाके सफाई दो। अरे सफाई दो नहीं, सफाई करो। इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा पकौड़ा? इधर आओ, साफ करो इसका। होल्ड मी, किस मी, फील मी, सब साफ करो। पापा, इन दोनों को क्यों डांटते हैं? यहाँ के बॉस तो हम हैं। बॉस तुम दोनों को मैंने बनाया है, तुम दोनों का कचुम्बर में मैं बनाता हूँ। चलो चलो, सबके सामने तुम दोनों का कचुम्बर बनेगा। अजी ओ हीरे जवाहरात की माँ, कहाँ हो तुम? अरे जरा बाहर तो आओ। क्या है? वो देखो, आ गए मेरे लाल बाबा, जल्दी कमल की ला। वो दिन तो बाद में पी लेंगे, पहले स्वागत करो इनका। नाम चमका के आए हैं तुम्हारे दो नगीने। मैं तो अकेले से नहीं, झाड़ू से थपथपा इनके गाल। अरे तो आते ही क्यों गरजने लगे? गरजने रहा हूँ, रो रहा हूँ अपनी अकल को। मेरी अकल घास चरने गई थी तो तुम अंगूठा छाप की बात मान बैठा। झाड़ू तुम्हारे नहीं मेरे मुँह को पड़ना चाहिए। तो ऐसी भी क्या जल्दी है, पहले बच्चों को ओवल तीन तो पी लेने दो। पी लो पी मम्मी। मम्मी ये मलाई वाला दूध है ना? मम्मी शक्ल ज्यादा डाली है ना? अरे क्या पापा बन गए? कोई नई बात नहीं है मम्मी, पापा को तो तुम जानती हो। हाँ मम्मी, मुंह बंद कर। मुंह खोल के फायदा भी क्या है पापा, सारा उल्टिन तो आपने फर्श पे बिछा दिया। अरे जी चाहता तुम दोनों को भी फर्श पर बिछा दूं। अरे कोई कालीन है जो फर्श पे बिछा दोगे? क्या हो गया तुम्हें? नाम को चार चांद लग गए इन गधे के बच्चों। रही पापा, चुप। इन गधों ने दफ्तर को नाच घर बना दिया। काम काज छोड़कर लड़कियों के साथ नाच रहे थे। लड़कियों के साथ नाच रहे? सच में? हम तो उन्हें परख रहे थे मम्मी, बड़े ऑफिसों में टाइपे स्मार्ट होनी चाहिए। देखो उनमें तो दो लड़कियों को डांस भी नहीं आता था। मम्मी मेरी नाम, मम्मी पापा से कह के वो दोनों लड़कियों को निकलवा दो और दो स्मार्ट लड़के ऑफिस में रखवा दो। सुन लिया ना, तुम्हारे नगेनों को दफ्तर में फुदकने के लिए रंग बिरंगी तितलियां चाहिए। अजी समझ गई, और इलाज में ढूंढ निकाला, रख के राह पर आ जाएंगे। कोई अंगूठा से इलाज ढूंढ निकाला होगा तुमने? वही जिसके जरिए तुम्हारे बाप ने तुम्हें ठीक किया था। कौन सा इलाज? मम्मी दादा ने क्या इलाज किया था? मम्मी दादा ने पापा को कैसे ठीक किया था बता दो। अरे तुम क्या भगदड़ की पता नहीं, तुम दादा ने बताओ। मम्मी 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 यार अपना बाप बड़ा ही गुरु घंटाल है, एन मौके पे खटका दिया, वरना आज उनकी डांट डपट से मुक्ति पाने का इलाज मिल जाता। यार अपन भी बाप से कुछ कम नहीं है। वहां से आते आते मैंने इंट्रोकॉम को स्विच ऑन कर दिया था, यहाँ बटन दबाओ और बुढ़ा बुढ़ी की बात प्रेम से सुनो। यह ग्रेट अजी, ये अंगूठा छाप इलाज नहीं, दुनिया की रीत है सदियों पुरानी, शादी के बाद मन चले मर्द भी सुधर जाते हैं। पुट्टन यार अपने बाप की शादी तो हो चुकी है। पुरानी हो चुकी है ना, अब बाप का इलाज करने के लिए उसकी नई शादी करनी पड़ेगी। लेकिन पापा को लड़की कौन देगा, वो तो बूढ़े हो चुके हैं। सो व्हाट, कोई ना कोई अधेड़ उम्र की मिल जाएगी। जरा बिरादरी में निकल के देखो, मेरे बेटे को बेटी देने के लिए लोग जू में खड़े हैं। जू? जू या क्यों? अरे वही वही। लेकिन तुम्हारी जू वाली बात मुझे बड़ी पसंद आई, तुम्हारे नगीनों के लिए दुल्हन चिड़ियाघर में ही मिलेगी। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? सेक्टर दीजिए जी। जरा बताइए इन्हें वो वकील आपसे क्या कहना था? सर आजाद नगर वाले वकील वरदराज अपने छुट्टन बाबू को दामाद बनाना चाहते हैं। अरे यार पुट्टन, मम्मी पापा तो मेरी शादी करना चाहते हैं, अब क्या करें? तू पहले शादी कर ले, बाद में सोचेंगे। कैसे करूं, लड़की तो देखी नहीं मैंने। हाँ तो फिर चल आजाद नगर चलकर देखें वकील वरदराज कहाँ रहता है। वरदराज BA LLB एडवोकेट। पुट्टन यही घर है। यार छुट्टन, एक वरदराज इस खंभे पर भी लटका हुआ है, लेकिन ये वकील नहीं है, वैद है। समझ में नहीं आता कि चक्कर क्या है। चक्कर? एक मिनट, चौकीदार ये क्या गोलमाल है? एक नाम वाले दो आदमी हैं या दो धंधों वाला एक आदमी? साहब हमारा मालिक वकील भी है, वैद्य भी है। छुटन छुटन। जानती है पूनम, डैडी ने मेरी बात दीवान बहादुर के यहाँ चलाई है। करोड़पति घर है, नौकर चाकर मोटर गाड़ी सब कुछ है, साहिर है लड़का भी पढ़ा लिखा होगा। नसीब वाली हो प्यारी, हम ठहरे इंस्पेक्टर की बहन, हमें बड़ा घर कहाँ से मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, किसी बड़े घर वाले से अच्छा लड़ा, कातिल अदाओं का शिकार बना। हम पुलिस वालों की पहुँच तो एक ही बड़े घर तक है। कौन सा? जेल खाना। तो फिर वहीं से किसी को पकड़ ले।
ये तो वही महाबलेश्वर वाली है। हाँ यार वो तो है, लेकिन इन दोनों में से लड़की कौन सी है? क्या बात कर रहा है यार, दोनों लड़कियां हैं, तुझे क्या देख रहा है? यार वो तो ठीक है, लेकिन मेरी वाली कौन सी है? जो मेरी वाली है ना, उसके बाजू वाले हैं। तेरी वाली कौन सी है? जो तेरी वाली नहीं है ना, वो मेरी वाली है। तेरी वाली नहीं, मेरी वाली नहीं, लेकिन मेरी वाली लड़की कौन सी? अरे यार यही तो मालूम कराना, इसमें इतना चिल्लाने की क्या? लेकिन मालूम कैसे करेंगे? क्या बात कर रहा है यहाँ पे? तुम रफू चक्कर होना चाहते थे? चोरी करने के लिए आए थे? चोरी करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि चोरी चोरी देखने आए थे। डैडी यही है वो बदमाश, यही है वो लफंगे। छुट्टन डैडी वाली तेरी है, पुट्टन ये खामोश वाली तेरी है, वो यार का क्वास लगा रखी है। और हमसे पूछो अंकल, इन्होंने ही महाबलेश्वर में हमें छेड़ा था। दफा 354 औरतों के साथ लुच्चापन, बगैर इजाजत घर में घुस आना, दफा 448 मामा। हाँ हाँ हाँ, मैं इन पर डबल केस करूंगा, चकमा देने का मजा चखाऊंगा इन्हें। वकील साहब हम चकमा तो तब देते जब आपको केस नहीं देते। आपका केस आपको दिया, आपकी तो डबलिंग हो गई, डबलिंग। इस डबल केस के आप वकील हैं। फीस की फिक्र मत कीजिए, डबल फीस मिलेगी। मामा लफंगे हैं, छठे हुए बदमाश हैं दोनों, कहते हैं आप अपने खिलाफ केस लड़ेंगे। अब है आधे टकले, ये जो गार्डन पे थोड़ी सी घास बची हुई ना, वो भी साफ कर दूंगा। देखिए वैद्यराज जी, मामला हमारा आपस का है, इस टकलू का नहीं। पॉइंट है तुम्हारे पास, मैं अभी जाकर सब बातों को फैसला करता हूँ। पहलवान श्यामलाल, इन दोनों को यहीं रोक कर रखना। रुक गए जी, रुक गए। इत्मीनान कर चुके वकील साहब, आप जाइए फैसला करने। लेकिन अकेले का नहीं, हम दोनों का मामला जमा दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, त्रिम्बक रेम्बा मामा इधर हूँ। क्या नाम है इसका? लो करो, हाँ माफ करो, जाने दो, अरे जाने दो, हाय अल्लाह, हाय हाय अल्लाह, छोड़ दो ना, छोड़ छोड़ दो ना, चुप, मामा माफ करो, मैं 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 माफ कर दे, जा 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 जाने दो, जा 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 जाने दो, हाय 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 अल्लाह, हाय 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 अल्लाह, छोड़ 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 दो ना, छोड़ दो ना, अरे पागल हो गई हो क्या तुम? मामा माफ करो, मामा माफ करो, जा 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 जाने दो, जा 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 जाने दो, हाय 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 अल्लाह, हाय 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 अल्लाह, छोड़ 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 दो ना, छोड़ 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 दो ना, अरे पागल हो गई हो क्या तुम? चुप। तो रहा हूँ मैं सनम, माफी करो गलती हुई, बंधन तो अब खुलता नहीं, करते रहो हुई हुई। मैंने कहा था ना, तूने मुझे फंसाया, तूने मुझे फंसाया, तूने तूने मुझे फंसाया, तूने। मैं कहता मामा माफ करो, मामा माफ करो, जा 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 जाने दो, जा 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 जाने दो, हाय 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 अल्लाह, हाय 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 अल्लाह, छोड़ 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 छोड़ो ना, छोड़ छोड़ छोड़ो ना, अरे पागल हो गई हो क्या तुम?
मैं धक्का न दो रो दूंगा मैं मेरी कसम रोना नहीं मैं भी कहीं रोने लगूं तेरी कसम मत रो मत रो मैं कहता हूँ मत रो मामा माफ करो मामा माफ करो जा 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 जान दो जा 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 जान दो हाय 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 अल्लाह हाय 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 अल्लाह छो 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 छोड़ो ना छो छोड़ो ना पागल हो गई हो क्या तो मामा माफ करो मामा माफ करो जा 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 जान दो जा जा जान दो हाय 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 अल्लाह हाय 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 अल्लाह छो 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 छोड़ो ना छो छो छोड़ो ना पागल हो गई हो क्या तो देखिए ये रहे वो दोनों बदमाश हथकड़ी लगाई है इन्हें अच्छी तरह जकड़े हुए हैं इनकी सजा की शुरुआत तो आपके घर से ही हो गई ये सजा हमने दी भैया और सजा का असर भी हुआ देखिए ना सर झुकाए खड़े हैं कौन हो तुम अरे तुम कौन हो ये लोग और यहाँ आप जानते हैं इन्हें बहुत अच्छी तरह वकील साहब ये बहुत बड़े आदमी के लड़के हैं दीवान बहादुर अटल राय हवलदार व्हाट इंस्पेक्टर साहब अगर आपको हमारे बाप का नाम लेना है तो अच्छी तरह से लीजिए अटल राय नहीं अटल राय दीवान बहादुर अटल राय के लड़के हैं पगले अगर पकड़वा देता तो दीवान बहादुर को क्या जवाब देता मैंने उन्हें संदेशा भेजा है कि मैं उनके बेटे को अपना दामाद बनाना चाहता हूँ इस लुच्चे को तो घबरा नहीं मैं इसे सजा दिलवाऊंगा जरूर कानूनी ना सही घरेलू ही मामा घरेलू प्रोग्राम अगर इतना ही पसंद है तो दामाद घर में ही ढूंढिए ना क्या बकवास कर रहा है तू मेरे घर में ऐसा कौन सा लड़का जिसे मैं दामाद बना सकूं अरे हम घर में नहीं है क्या चश्मा लगा के भी नहीं दिखता मर गया मर गया मार दिया मर गया हाँ तुम्हारी तुम क्या है हम बदला लेकर रहेंगे किस बात का तुम दोनों ने हमारी इंसल्ट की है तो क्या कर लोगे हम दोनों तुम दोनों से शादी करेंगे दिमाग खराब तो नहीं तुम्हारा शैला ओ शैला इधर आ ये दोनों वही लोग है ना हाँ कांता वही है अरे इस अशीत सेन की बहन कांता से कहो कि अपने लिए कोई कांति ढूंढे शरा तुम दोनों का शादी के बारे में क्या ख्याल है ठेंगा हैं? तो फिर ठेंगे को मुंह में रखकर चूसो और सोचो कल दोपहर के 12 बजे तक अगर तुम लोगों ने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारी गली के नुक्कड़ पर हमारी प्रेम समाधि बन चुकी होगी कम ऑन पुट्टन एक्सक्यूज मी वो चौराहे के पास आपकी जमीन है ना खबर मिली है कि आपके लड़कों ने वहाँ पर तूफान मचा रखा है जी वो लोग पैदा ही इसलिए हुए हैं कि इस बार क्या गुल खिलाएं जान देना चाहते हैं सुना है अपनी समाधि खुद बनाने लगे हैं आई सी तो ऐसा कीजिए इंस्पेक्टर साहब दो चार अच्छे कारीगर भेज दीजिए उनके मदद के लिए मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दीवान बहादुर जी मैं आपके बेटों को पब्लिक न्यूसेंस के जुर्म में गिरफ्तार कर सकता हूँ आप जाकर अपने बेटों को रोकिए वरना आप ही की बदनामी होगी प्रेम समाधि जवानी जवानी दीवानी दीवानी समाधि बनने लगी क्या हाँ अभी आते हुए मेरे टैक्सी में से देखा लेकिन मैंने तो सोचा था ये लोग यही धमकी दे रहे हैं अरे माँ ये लोग तो सच में जान देने लगे उनकी हत्या हमें लगेगी अब क्या होगा अरे बोल ना अब क्या होगा ना सोचने दे रहे प्रेम समाधि चुट्टन पुट्टन चुट्टन पुट्टन चुट्टन दोनों कभी तक नहीं आए भीड़ काफी जमा हो गई भैया बचने का कोई चांस नहीं तुम्हें पुट्टन से प्यार है क्या हाँ मुझे पसंद तो है लेकिन तुझे पुट्टन से प्यार है क्या हाँ मुझे भी है अगर अगर वो मेरे लिए जान दे दे तो प्यार हो जाए मुझे भी देख कितने मिनट बाकी जल्दी सिर्फ 8 मिनट सिर्फ 8 मिनट छुट्टन
सिनेमा घर के टिकट वाली खिड़की बन गई है और उधर हाउसफुल है, अब तो खिड़की बंद करनी ही पड़ेगी। छुट्टन नारे 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 उधर से छुट्टन पुट्टन प्रेम समाधि छुट्टन पुट्टन छुट्टन पुट्टन। हम तो इस बुगदे से हसरत की नजर करते हैं। खुश रहो महिलाओं, हम तो सफर करते हैं। सफर मत करो प्लीज, जान मत दो पुट्टन। नहीं देंगे जान, तुम अपना हाथ हमारे हाथ में दे दो। जल्दी से हाथ मिलाओ वरना हम चले। मैं तो बोलता हूँ छुट्टन बंद कर दे यार। बंद कर दे यार, छोड़ यार। मंजूर मंजूर छुट्टन। हाँ छुट्टन। समाधि कैंसिल। तोड़ दे समाधि, तोड़ दे समाधि, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए, समझ गया, कोई नया कारनामा सुनाएंगे इन दोनों का। आप दीवान बहादुर साहब हैं तो मैं एडवोकेट वरदराज हूँ। ओ, आप ये एडवोकेट वरदराज, आइए तस्वीर रखिए। जी नहीं जी नहीं, मैं तस्वीर रखने नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ आपसे शिकायत करने। जानते हैं आपके बेटों ने क्या किया है? इतना जानता हूँ कि सुन के मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। क्या क्या इन दोनों ने? 354 और 448 दोनों। यानी ये लोग मटके का पाना खेलने लगे? नहीं नहीं, मटके का पाना नहीं, मैं दफा 354 का जिक्र करता हूँ। दोनों मेरे घर में दाखिल हुए मेरी बेटी को छेड़ने। और अरे बदमाशो, तुम लोग भले घर की बेटियों को छेड़ने लगे। पापा छेड़ने नहीं, देखने गए थे। चुप रहो। दीवान बहादुर साहब, मैंने आपका ख्याल किया, नहीं तो मैंने चक्की पिसवा देता। दोनों पॉइंट थे मेरे पास, 354 448। समझे समझे। मैं इन दोनों की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, आपने बड़ा उपकार किया। दीवान बहादुर साहब, आप इन दोनों को जरूर सजा दीजिए, तभी ये लोग सुधरेंगे। गौर कीजिए मेरे पॉइंट पर। नमस्ते। पापा इस कटवा दे तुम दोनों ने मेरी उन्हें तो उसी दिन निकाल देना चाहिए था जब चौथी बार दोनों ने मैट्रिक फेल किया। नाक तो नहीं कटती यार। आपका कुछ बताओ, अभी आपने किया क्या? कालक लगा दिया मुंह पे, मुझे मजनू का बाप बना दिया। मगर मत करो, अब कभी इस घर में उन्होंने चिकने खड़े हैं बेशर्म, मेरी बात का कोई असर नहीं। मैंने क्या हुक्म दिया था? दरवाजे में कदम नहीं रखना। फिर क्यों आए? पापा हम लोग दरवाजे से नहीं खिड़की से आए। अब इस कंपाउंड में कदम रखा तो जान मत जाएंगे मेरे नाथ बच्चे। जान मत जाएंगे, निकल जाना। वो कान खोल के सुन लो, आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, ना मैं तुम्हारा बाप ना तुम मेरे बेटे। पापा एक रिश्ता तो रखिए कम से कम, या बाप वाला या बेटे वाला। छुट्टन मामी, मेरे लाल, तुम्हारे पति ने हमारी बहुत बड़ी इंसल्ट की है मम्मी। बिना सोचे समझे कह दिया कि हम उनके बेटे नहीं हैं। सोचो मम्मी, अगर हम भी पलट कर जवाब दे देते कि तुम हमारे बाप नहीं हो तो तुम्हारी क्या पोजीशन होती, तुम्हारा कितना बड़ा अपमान होता। मेरे बच्चे वो सब भूल जाओ। नहीं भुला सकते मम्मी, हम हमारी माँ के अपमान का बदला लेकर ही रहेंगे। पापा से नाक रगड़वा कर कहलवाएंगे कि हम उनके बेटे हैं। क्यों पुट्टन? हाँ छुट्टन। ऐसा ना कहो मेरे बच्चे, ऐसा ना कहो, उनका गुस्सा उतर जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तब तक तुम महाबलेश्वर के बंगले में जाकर रहो बच्चा। क्यों बलवास दे रही हो मम्मी? तुम के नहीं कौशल्या, तुम्हारे नाम लेकर 180 मील पैदल कैसे जाएंगे मम्मी? दादा लेकिन तुम्हारे पापा को पता ना चले। क्यों, क्या है? पापा की जेब से मारा है? अरे बकवास मत करो, जल्दी से जाओ। अच्छा मम्मी। बच्चों अपनी सेहत का ख्याल रखना, कल से खाना खाना। तुम भी टाइम से मनी ऑर्डर भेजना मम्मी। भेज दूंगी मेरे लाल। महाबलेश्वर पहुंचो, सब कुछ बताएंगे। Thank you.
मम्मी के अपमान का बदला कैसे ले पापा से, अपनी तो खोपड़ी फेल होने लगी। यार छुट्टन, ऊपर वाला हमें अगर चाणक्य का दिमाग दे देता तो उसका क्या जाता, बस एक ही देन मिली है उससे, माँ बाप का प्यार। गलत, सिर्फ मम्मी को प्यार है हमसे, पापा तो सिर्फ खूनी है। खूनी? मर्डर? क्या कहा, पापा खूनी? अरे भाई, यानी सिर्फ खून का रिश्ता है, पापा से खून का रिश्ता, पापा खूनी, खून। छुट्टन, हाँ, मिल गया प्लान। कैसा प्लान? मिल गया। कैसा? खून मेरा, रिश्ता तेरा, जायदाद के लिए तू मेरा खून करेगा। खून? मैं तेरा खून करूंगा? अबे सचमुच का खून थोड़ी करेगा, झूठ मूठ का खून करेगा, दुनिया को झूठ बोलेगा, एक्टिंग करेगा, ढोंग करेगा, परफॉर्मेंस देगा, उसके बाद तू फांसी के लिए तैयार हो जाएगा। फांसी? अबे सचमुच की फांसी में थोड़ी चढ़ेगा, सिर्फ तैयारी करेगा यार। बॉम्बे भागने की तैयारी करूंगा, फांसी की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। छुट्टन छुट्टन छुट्टन, तू कभी चाणक्य नहीं बनेगा, बात तो सुनता नहीं, बदबदबदबद करता रहता है। मेरा प्लान तो सुन। अच्छा बोल, जब मेरे कत्ल की खबर। खबर? खबर नहीं बे नामुरादी, खबर और खबर में तेरे को फर्क नहीं लगता? अरे खबर, न्यूज न्यूज। हाँ तो न्यूज बोलना। हाँ वही न्यूज, जब दुनिया में फैलेगी तो पापा सर पर भाग कर आएंगे और मैं आंखें मूंदे सांस रोके पड़ा रहूंगा, मुझे देखते ही पापा पछाड़ खाकर गिर जाएंगे। अबे अगर तुझ पे गिरे ना तो ये सांस सदा के लिए बंद हो जाएगी। अरे भोंदू, लाश पर कोई नहीं गिरता और फिर पछाड़ खाने वाला सोच समझ कर पछाड़ खाता है, समझा? आगे सुन। पापा मुझे देखकर रो रो कर कहेंगे, मेरे मुर्दे बेटे ये क्या हुआ, और तुझसे कहेंगे मेरे लाल, मेरे बेटे ये तूने क्या किया, अपने भाई को मार डालो। यार पुट्टन, प्लान तो उम्दा है लेकिन इसमें एक खोट है। क्या खोट है? लोग यकीन नहीं करेंगे, हम दोनों सदा राम लक्ष्मण की तरह रहे हैं, ये कैसे मानेंगे कि जायदाद के लिए हम दोनों ने झगड़ा किया। छुट्टन एक बात बोलो। बोल। तेरी बात में बात है। वो तो है। अपने को अब एक गवाह चाहिए ना। हाँ, एक गवाह, एक गवाह। वो लोग आ गए, गवाह आ गए, गवाह आ गए। आधी जायदाद चाहिए तुझे? मारा। अबे जायदाद के लिए अपने देवता जैसे भाई को मारता है? अबे तू देवता नहीं, राक्षस है, राक्षस। भाई सुन रावण, तू मेरे को रावण बोलता है? अबे तू बोल, तू बोल, तू बोल, तू बोल। अच्छा तो ले, ये ले। झगड़ा? लेकिन किस लिए? अरे जरूरत है इसलिए, पापा ने मुझे ये कह के निकाला था कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। इस बाजी के कारण। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं उसका खून पी जाऊंगा। तू मेरा खून पिएगा? मैं तुझे जमीन में गाड़ दूंगा। पापा मुझे आधी जायदाद देने वाले थे और ये बिच्छू बीच में डंक मारता है। अबे क्यों ना मारूं? खून कौन रहा है मेरा? आधी जायदाद लेने वाला वो कौन? अरे असली बेटा मैं हूँ मैं। अबे असली नकली क्या कर रहा है? तेरे माँ बाप ने मुझे उस वक्त गोद लिया था जब तेरे पैदा होने का कोई चांस नहीं था। जब जायदाद की बात है तो मेरे को हाथ दिखाता है। अबे मैं तेरे को अभी देखता हूँ। अबे मैं भी तेरे को देखता हूँ। अबे मैं तेरा सर कुचल के रखूंगा, गिर गोट हड्डियों का रस बना के पी जाऊंगा पिस्सू। अबे कुल चला रहेगा पास तो बनेगी बकरे। अबे जावे फूटे ढोल। तुम लोग अंदर को पटा के आओ, मैं शांत रहता हूँ। देखो पुट्टन, अरे जाओ ना। कमीना, निकम्मा, पागल, बाजी, मैं बोलता हूँ उल्लू, बेवकूफ आदमी, बेवकूफ तू। बस 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 बस, स्टॉक खत्म हो गया। हल्की फुल्की खत्म हुई पुट्टन, अब मोटी वाली शुरू करता हूँ। तेरी नहीं 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 नहीं, तेरी नहीं यार, ये मोटी वाली सिर्फ सड़क पर चलती है, सेंसर में नहीं। मेरा ख्याल है पुट्टन, यार झगड़ा तो बहुत हो गया, अब कत्ल पे आ जाएं यार। एग्जैक्टली, अनचाहिए कत्ल पे, ये ले।
समझ ले ये 10 इंची तेरे हाथ में है, पकड़ ले, भोग दे मेरे, मार मेरे को, मारू, लेकिन उल्टा मारना, उल्टा, मार, मारू, मार, यस, मर गया, मर गया तो चीखता क्यों है, मुर्दा चीखता है क्या? अबे कच्चा मुर्दा पहले मर गया बोलता है, उसके बाद में पक्का बनता है, ले, मैं तेरे लिए पक जाता हूँ, लाश को ठिकाने लगाना चाहिए। मेरी टांगे उठा ली, घसीटता हूँ तुझे। छुट्टन, क्या सचमुच मेरी जान लेगा? अरे पुट्टन, तेरी नाक से तो खून बह रहा है। जान, मेरी नाक कट गई। ऊंची हो गई भैया, तेरी भी और मेरी भी। चल जल्दी से मेरे जगह में खून लगा दे। चल। देखता हूं दुनिया वाले कैसे यकीन नहीं करते कत्ल का। अब मैं खबर देने शहर में शान से जा सकता हूं। पुट्टन, हाँ? यार तू यहां भेष बदल के रहना। क्यों? यार जब तक पापा को तेरी मौत का यकीन नहीं हो जाता तब तक तुझे यहां कोई जिंदा ना देखे, वरना पुट्टन प्लान फेल। नहीं 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 नहीं, पुट्टन प्लान फेल नहीं होगा। मैं ऐसा भेष बदलूंगा कि मम्मी भी पहचान ना सकेगी। जान तुम्हारी नहीं, पुट्टन की निकली है। क्या? बताओ, बताओ क्या हुआ? बोलो ना। इधर उधर चोरों की तरह क्या देख रहे हो छुट्टन? कातिल की तरह देख रहा हूँ गोरी। यानी तुमने उसे सचमुच मार डाला? मारा था झूठ मूठ, वो मर गया सचमुच। क्या मतलब? मैं उसे मारना नहीं चाहता था। 10 इंची उसके पंजे में था और मेरा पंजा उसकी कलाई पे और इसकी नोक मेरे सीने पे। वो जोर लगाया था कि इसकी नोक मेरे सीने पे घुसे, मैं जोर लगाया था कि उसका जोर न चले। उधर जोर, इधर जोर, उधर जोर, इधर जोर, जोर जोर में वो फिसला, मैं निकला, वो मचला, मैं पलटा, देखा तो उसी के पेट में उसी का खंजर 6 इंच अंदर। बोलो प्यारी, क्या कसूर है मेरा? मैं तो अपनी जान बचा रहा था तुम्हारी सेवा के लिए, ताकि तुम सुहागिन बनने से पहले विधवा बन जाओ। पर उसका खून उसी के हाथ से हुआ ना? हुआ तो उसी के हाथ से था, पर चढ़ेगा मेरी गर्दन पे। अगर तुम मुझे गर्दन से झूलता हुआ नहीं देखना चाहती तो कुछ दिनों के लिए मुझे छुपा लो। तो क्या तुम मेरे पास छुपने के लिए आए हो? तुम्हारे पल्लों में नहीं प्यारी, तुम्हारे घर में। पता कर चुका हूं तुम्हारे डैडी कुछ दिनों के लिए बाहर जा चुके हैं। मगर अगर मगर नहीं प्यारी, प्यार में जिगर चाहिए, हिम्मत से काम लो। लौटने के बाद तुम्हारे डैडी मुझे बचाने का कोई ना कोई पॉइंट जरूर ढूंढ निकालेंगे। पहले इसका पॉइंट मेरी तरफ से दूर करो। डर लगता है। ये क्या खून? पुट्टन का है। इस जर्किन को भी कहीं छुपा दो। चलो यार, वही वही यार, वही वही यार, वही वही यार, यार वही वही यार, वही वही यार, वही वही यार, यार वही वही यार, वही वही यार, वही वही यार, यार वही वही यार, वही वही यार, वही वही। हम असली शेर हुबाई वाला वाला हुबाई वाला। कई लोग को डुबाया है, कई लोग को डूबने से बचाया। समझा, हमारा दुश्मन पार्टी का माल आप ही लोगों ने डुबाया है। हा? आपका साथी लोग तो कब से आ चुका है। वाला हमारा साथी? हाँ हाँ, चलिए चलिए, ऐसे सीधे जाना, उल्टी तरफ मुड़ जाना, सब लोग अंदर है। सब लोग अंदर है? हाँ। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शेख उस्मान बिन साले, शेख अब्दुल रशीद बटाटा, सलाम अलैकुम। शेख अबरार अली, शेख अबू बकर, इस बार होशियारी से काम लीजिएगा,
पहले जैसा नहीं होना चाहिए। वल्ला फिक्र मत करो बिरादर, सब गुल गुलजार होगा। अब कबार हम सोने का बिस्कुट हेलीकॉप्टर में भेजेगा, जो खेत में भी उतर सकता मैदान में भी उतर सकता। तुम अपना सहूलियत के मुताबिक जगह तजवीज करो, हेलीकॉप्टर किधर उतरेगा। करेक्ट जाने मैप। चलिए शरीफ बताता। चलिए चलिए। ये है पोवा, यहाँ से एक सड़क जाती है झोलापुर तक। झोलापुर से 36 किलोमीटर पे एक गांव है आस्था। पथरीला मैदान है, हेलीकॉप्टर उतरने के लिए ठीक रहेगा। जिन वल्ला जिन। 15 दिसंबर का शाम को हेलीकॉप्टर का आवाज सुनो तो वही मैदान से झंडा का 3 सिग्नल। क्या समझा? झंडा का 3 सिग्नल। शेख, आप लोगों में से हेलीकॉप्टर में माल लाएगा कौन? हम में से कौन नहीं लाएगा, कौन नहीं लाएगा? सिर्फ चलाने वाला होगा। सिर्फ चलाने वाला होगा? हाँ। लेकिन वो ना हमको पहचानेगा ना हम उसको पहचानेंगे, फिर वो माल देगा कैसे? तुम भी कैसा बात करता है, हम लोग गैर मुकम्मल काम नहीं करता है। ये कागज वसूली का परवाना है, आधा तुम अपना पास रखो, आधा पायलट के पास मैं रहेगा। पायलट दोनों फटा टुकड़ा को मिलाएगा, जो भी ये टुकड़ा उसको देगा वो 5 करोड़ रुपया का सोना वसूल पाए। वेरी गुड आइडिया शेख साहब, वेरी गुड आइडिया। शुक्रान शुक्रान। काम की बात खत्म, अब तफरी की बात हो। हमने आपकी खातिरदारी के लिए बहुत कुछ इंतजाम किया, चलिए। जरूर जरूर। बाबा
से शराब लाई झूम लहराओ जुल्फे साए झूम झूम के हंसी है महफिल आया सुभान अल्लाह हंसी है महफिल आया सुभान अल्लाह गुड लक फॉर 5 करोड़ छुट्टन वाह 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 बड़ी उम्दा सेंट लगा कर आई नहीं नहीं उठो नाश्ता करो नहीं अरे एक बार पूछो क्या है नहीं छुट्टन कहाँ जा रही हो मैं जाती हूँ नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा देन लो मस्ती क्यों नहीं जाते तेज घंटी की आवाज कहीं पुलिस तो नहीं आ रही पुलिस मैं देखती हूँ अरे कंटक तू हाँ बाप रे मुझे देख के बड़ी इत्मीनान की सांस ले जा रही नहीं नहीं तो बाबा बोलना क्या बोलती है ए, अंदर तो आने दो मुझे अंदर भी आएगी क्यों क्या बात है बहुत घबराई हुई है नहीं तो कुछ भी नहीं नहीं कुछ तो है सच्ची कुछ भी नहीं मैं सब जानती हूँ तुझे सब कुछ मालूम हो गया अकेली मुझे नहीं सब सहेलियों को पता है सबको मालूम हो गया यही शोर मचा है सारे शहर में क्या कि तुमने छुट्टन को छुपा कर रखा है कंदा बेकंदा तेरी कसम उन्होंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया उन्होंने तो अपनी जान बचाने के लिए पुट्टन का खून किया क्या क्या कहा तूने छुट्टन ने पुट्टन का खून धड़ा है खून खून तूने ही तो कहा कि तुझे सब कुछ मालूम है खून के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम मैं तो तुम दोनों के प्रेम का जिक्र कर रही थी मैं भी कैसी मूर्ख हूँ बदहवास में क्या क्या बता बैठी मर गई तू परेशान मत हो शैला मैं किसी को नहीं बताऊंगी पूनम को भी नहीं बताऊंगी अरे उसको तो बताना ही मत वो पुट्टन से प्रेम करती है देख कांता प्लीज कांता इस राज को राज ही रखना प्लीज ये राज राज ही रहेगा कांता देख कांता मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ ये बात फैलने ना पाए वरना वरना पुलिस यहाँ तक आ पहुँचेगी मेरे घर की तलाशी लेगी और फिर मेरे कबर्ड में छुट्टन की खून भरी जर्किन है अगर वो मिल गई तो दहशत हो जाएगा मर गई किसी को नहीं बताऊंगी ये रात की बातें देख किसी को नहीं बोलना अच्छा मैं किसी को नहीं बताऊंगी प्रॉमिस प्रॉमिस मैं चलती हूँ हाँ शैला क्या कुछ नहीं तू फिकर मत कर मैं किसी को नहीं बताऊंगी कांता अच्छा मैं चलती हूँ कांता क्या देख ये रात की बात है किसी को नहीं बोलना प्लीज तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं क्या मैं किसी को नहीं बताऊंगी भरोसा तो है फिर आज मैं किसी को नहीं बताऊंगी जबान से निकल जाएगा ध्यान किसी से नहीं बताऊंगी छुट्टन ने पुट्टन का खून कर दिया किसी से मत कहना छुट्टन ने पुट्टन का खून कर दिया किसी से मत कहना छुट्टन ने पुट्टन का खून कर दिया किसी से मत कहना क्या हो गया पूनम क्या हो गया तुम्हें खून भैया मेरे पुट्टन का खून क्या तुम्हारा पुट्टन मेरा मतलब है दीवान बहादुर का बड़ा बेटा छोटे बेटे ने खून किया यकीन नहीं होता भैया यकीन नहीं होता क्या कहा इंस्पेक्टर साहब मेरे छोटे बेटे ने बड़े बेटे का खून कर दिया अभी तक आपको पता नहीं चला ये खबर तो आपकी तरफ पहुंच चुकी है जी नहीं आप बिल्कुल यकीन न कीजिए कोई उनकी नई शरारत है बाप आराम से बैठे तो ना खाना नहीं हजम होता आपका ख्याल है ये सच नहीं है जी हाँ अच्छा सर आज की रात चरित्र कुमार बाप को परेशान करने से अब तक बाज नहीं आया यही है वो जो
जो उस दिन झांसा देकर अंदर घुसाया था। पूरे 40 चोर हैं। आप इनके अली बाबा है क्या? दीवान बहादुर को यकीन है कि ये सब झूठी अफवाहें हैं। बिल्कुल सच्ची है इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल सच्ची है। कौन हो तुम? मैं वकील वर्धराज का सब कुछ हूँ। क्या है आपकी बात में? बिल्कुल हकीकत है। हकीकत? ये देखिए, पतंग छुट्टन ने शैला के नाम संदेश लिख भेजा है। महाबलेश्वर चले, घरेलू झगड़ा है, फैसला करके रहेंगे। और फैसला हो चुका। बड़े भाई को भगवान के गोदाम में पहुंचा के छोटा हमारे गोदाम में पहुंचा हुआ है। तुम्हारे गोदाम में? जी हाँ, और मौका पाते ही मैं कपबोर्ड से मैं जर्किन उठा लाया। ये दूसरा सबूत। मिस्टर हीरा, टेक केयर ऑफ दिस। दूसरा सबूत और जर्किन? ये खून भरा जर्किन छुट्टन का है? जर्किन छुट्टन का है, खून उसका नहीं, किसी और इंसान का है। बोल तो कौन है? नहीं, बोल दो इसे। पार के आगे भूत भी भागता है बॉस। अरे यार, तुम लोग मेरे को छोड़ के देखो, मैं भूत से भी तेज भागूंगा। सीधी तरह सब कुछ बता दे। अली बाबा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमको क्या बताऊं। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को मारो नहीं। बदन पर कोड़ों के निशान देखकर मेरी माँ बहुत रोएगी, बहुत तड़पेगी, जैसे जल्दी माँ चली। तो रोने लगा। ये सीआईडी नहीं लग रहा। जबान से तो आने के लिए कह रही है, मगर हाथ से? आइए आइए, अब हाथ से भी आने के लिए कहती हूँ। आइए, जरूर आइए, बिल्कुल आइए, बेशक आइए, भला आने में क्या हर्ज है। आइए, आपका गोदाम किधर है? जी, गोदाम? जी हाँ, देखिए, आप मेरी बहन की बहुत अच्छी सहेली है, इसीलिए मैं आपके साथ सख्ती बरतना नहीं चाहता। मुझे अपना फर्ज पूरा करने दीजिए। फर्ज? तो क्या आपको सब कुछ मालूम हो गया? जी हाँ। यकीन कीजिए, छुट्टन खूनी आदमी नहीं है, वो तो अनजाने में कत्ल हुआ। वैसे भी उनका ये पहला ही कत्ल है, और पहली गलती तो हमेशा माफ की जाती है इंस्पेक्टर साहब। दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मैं इसका जिम्मा लेती हूँ। आप तकलीफ न कीजिए, कानून खुद जिम्मा ले लेगा कि उन्हें दोबारा ऐसी गलती करने का मौका ना मिले। चलिए गोदाम दिखाइए। प्लीज इंस्पेक्टर, मैं कहता हूँ गोदाम दिखाइए। चलिए। इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए। अजी मुलाकात का जी चाह था तो खबर भेज देते, मैं खुद पहुंच जाता। मस्करापन छोड़िए, मेरे सवाल का सही जवाब दीजिए। श्योर श्योर इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आप खड़े क्यों? बैठिए। ये बताइए, पुट्टन कहाँ है? पुट्टन? इंस्पेक्टर साहब, ये जो पुट्टन है ना, अरे क्या बताओ इंस्पेक्टर साहब, ये जो पुट्टन है ना, आगे बढ़िए।
वो अभी तक है क्या? यही तो मैं कह रहा था इंस्पेक्टर साहब, ये जो शैला देखते नहीं इंस्पेक्टर साहब आए, जल्दी से पंगा चालू करूंगा। इंस्पेक्टर साहब, पुलिस को देखते मेरे पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन आप भी क्यों छूट रहे हैं? शायद गुस्से की गर्मी से। ये चाकू पंखे 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 पर था, वहां छुपा कर रखा था। ये वही चाकू है जिससे पुट्टन जी 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 जी। अबे ये बताओ आधा चेक कहां है? अरे बाबा गरजो मत, हमको डर लगता है। वो आधा चेक चिट्ठी में रखकर लिफाफे में बंद कर हमने पोस्ट बॉक्स में डाल दिया है। अपने छोटे भाई को सारा स्कीम समझाया है, उसको महाबलेश्वर बुलाया है, ये सब सच बात है। हमारा टाइम हो गया, हम जाता है। ए इतना और बता दे, तेरे भाई का नाम और पता क्या है? वो जी मेरे छोटे भाई का नाम है चरित्र कुमार उर्फ छुट्टन, केराव दीवान बहादुर अटल राय, मलबार हिल बॉम्बे। बाय बाय। मेरे आदमी तुम्हें पहुंचा देंगे पूरी इज्जत के साथ वैकुंठ तक। तुम आदमी का पैजामा है, हमारे घर का नाम वैकुंठ नहीं है, हम लोगों के घर का नाम है गुलिस्तान। गुलिस्तान ये तो बेहोश हो गया। इसे भारी पत्थर के साथ बांध के झील में डुबा। बालू पत्थर कस के बांधा ना? हाँ कस के बांधा है, पल भर में इसको तह तक पहुंचा देगा। जहां नहीं पानी वहां गह रहा है। चलो रुकमणि चलो, बहुत पांव जलता है, ये साल कोचिंग में बहुत गर्मी है। ए प्रिया कुटी जरा इधर आ। हाँ प्रिया कुटी। क्या है? जरा मेरे मनी को बुला रहे। बुला दे रुकमणि। उतर उतर। कैसा काम करता तुम? आइयो ना मणि। मणि गेट के पास अम्मा आया, तेरे को बुलाते। ये तेरा माँ मेरे को काय को बुलाता? मेरा नहीं तेरा माँ। मेरा अम्मा अम्मा मणि अम्मा अम्मा तुम काय को आया? अम्मा किसी और को भेजना था ना? किसको? किसी भी और को भेजना था। रुक्मिणी को। यो तुम काय को आया इधर? क्या तुम हमको अभी याद किया? तेरे को कौन याद करता? भूतनी। हम भूतनी? तुम भूत। मारेगा तेरे को, तुम जितना जमीन को ऊपर उतना जमीन के नीचे करेगा तेरे को। देखेंगे मारा। मारेगा तेरे को। अयोड़ा बिना माँ बाप के बच्ची को मारता, पहले शादी बनाना पीछे झगड़ा करना। रुक्मिणी तू बाजार को जा को बाजी लेकर आ। जा मेरे बेटे चल आ आ जा। दिया जाना। दिया का अमोल। अरे आज तेरा जन्मदिन है रे बेटे। दिया जाना। अमोल दिया का को माचिस जला लाना। अरे माचिस जला के दिया जला दे, भगवान इसको दबा कर लाएगी। दूसरा जाना। अमोल तुम रोता काय को? अम्मा तुम्हारे बेटे में अकल नहीं इसलिए तुम रोता। अम्मा नहीं बेटा, तू जैसा भी है अच्छा है, मेरी जिंदगी का उजाला है। अम्मा उजाला तो तुम्हारे आंख में आंसू काय को? अम्मा दूसरे बेटे के लिए दूसरा दिया उसके लिए, आज उसका भी जन्मदिन है। तुम दोनों एक साथ पैदा हुए न रे। अम्मा तुमको मेले को 20-22 साल हो गया ना, तुम और कितना साल उसको याद करेगा? अम्मा मरते तब याद करेगा बेटा, भगवान को हाथ जोड़ के बोल रहे मेरा सुबह जिधर भी है अच्छा रहे। बोल क्या भगवान? तेरे भाई का नाम का दिया बुझ गया,
सुबह कोई संकट में है। साहिबा, लाश एकदम सड़ चुकी है। मछलियों ने बदन को इस कदर खाया है कि लाश का पहचाना मुश्किल। करेक्ट है, लेकिन घड़ी और जैकेट से पहचाना जाएगा। तुम पंचनामा तैयार करो। अरे उल्लू के पट्टे, मुंह सिया क्यों खड़ा है? इंस्पेक्टर का शक दूर कर, बोल पुट्टन कहां छुपा है। वहां वहां क्या? छतपट नीली छत पे पापा। देने? मैंने उसे स्वर्ग में पहुंचा दिया। छुट्टन बेटा, मजाक में भी ऐसी बातें मत कर। इंस्पेक्टर साहब, आप इस बच्चे की बातें मत सुनिए, कान बंद कर लीजिए। क्यों कान क्यों बंद कर लें? इसे क्यों नहीं बंद कर दें? क्या कहते हो? ठीक कहता हूँ। तुमने ऐसा हौसला बढ़ा दिया कि कानून से खेलने लग गई है। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे, और दूसरा मिले तो उसे भी बंद कर दीजिए। दूसरा? हाँ दूसरा। दोनों पर एक दूसरे के कत्ल का मुकदमा चलाइए। ऐसा बेहुदा ढोंग रचाने का मजा तो चखें ये गधे। ढोंग वोंग नहीं पापा, इस बार असली हरकत कर दिखाई है मैंने, ठोस वजह के साथ। मेरे पास कत्ल की वजह है। क्या वजह है? पापा की जायदाद। क्या? मेरी जायदाद यानी पुट्टन गोद लिया हुआ बेटा है। मैं असली बेटा, पर आप दोनों ने खरे खोटे को सदा बराबर समझा। तूने भी तो उसे बराबर समझा, तू तो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। हाँ, तब तक मेरी अकलदार नहीं निकली थी पापा। क्या बकता है? जी हाँ, परसों निकली है। मुझे चारों तरफ करोड़ों की जायदाद नजर आने लगी। आधी जायदाद का मालिक खोटा बेटा क्यों बने? यानी दौलत के लिए तो अपने बड़े भाई का दुश्मन बन गया। वो मेरा भाई नहीं है पापा। कैसे नहीं है? मैंने तुझमें उसमें कोई फर्क नहीं समझा। अरे समझाओ मैं इसे। क्या समझाओ? सारे फसाद की जड़ तो तुम ही हो। मैं? हाँ, तुम। अरे इतनी ढेर सारी दौलत का नाते क्या फायदा जब मेरे बच्चों में फूट पड़ गए। पान बीड़ी की दुकान खोलिया थी, सब मिलके कितने मजे से। आप मेरे साथ चलिए पापा। अपनी जायदाद के लिए नया बेटा गोद ले लीजिएगा। मैं फांसी पे झूलने चला। ऐसा मत बोल मेरे बेटे, ऐसे मत बोल। अरे साहब, तुम क्या क्या तुम्हें कुछ करो ना बचाओ। चुप रहो यार, मेरा सर चक रहा है। इंस्पेक्टर साहब, इस बेवकूफ ने कुछ भी किया हो, औलाद फिर भी औलाद है। चलिए इधर आइए। इस केस को ऐसा पलट दीजिए कि छुट्टन साफ निकल जाए। क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगा। दीवान बहादुर, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं रिश्वत नहीं लिया करता। नहीं लेते? ताज्जुब है। रिश्वत नहीं तो इंसानियत की खातिर सही, इस उम्र में इतना बड़ा गम मुझसे सहा नहीं जाएगा। एक बेटे के दाग के बाद दूसरे का दाग में दीजिए। मेरे बेटे को बचा लीजिए, किसी तरह भी मेरे बेटे को बचा लीजिए। हुर्रे, फतेह, कामयाबी, विक्ट्री, पुट्टन प्लान कामयाब, पुट्टन प्लान कामयाब। पापा ने हमें बेटा कह दिया। क्या बकरा गधे। अब गधा वधा ना करिए पापा। अगर हम गधे होते तो इतना ऊंचा प्लान कैसे बनाते जो आपको भी बना के रख दे। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर साहब, पापा ने मुझे और पुट्टन को ये कहकर घर से निकाला था कि हम इनके बेटे नहीं। हम दोनों भाइयों ने ठाना कि पापा से कहलवा के रहेंगे कि हम इनके बेटे हैं, इसलिए कटका ढूंढ रहा चाहेगा। अच्छा, तो अपनी साजिश में पुलिस को भी घसीटा। कहाँ घसीटा? मैं तो अच्छा भला वकील साहब के गोदाम में बंद था, आप खुद आ गए मेरा गले पड़ने वहाँ। इंस्पेक्टर साहब, मैंने पहले ही कहा था शैतान की आंख है ये दोनों, आपने मेरी बात का यकीन। खैर दीवान बहादुर जी, आपका ख्याल करके इन्हें छोड़ देता हूँ। आइंदा कानून के साथ कोई बदतमीजी की तो भुगतना पड़ेगा। मिस्टर छुट्टन, अगर कत्ल नहीं हुआ है तो आपके जैकेट पर खून कहां से आ गया? वो कत्ल का नहीं, हल्की सी चोट का खून था, आप सब लोगों को चकमा देने के लिए मैंने लगाया था। अच्छा, मैं महाबलेश्वर पुलिस से पता लगाता हूँ। जरूर लगाइए। उसका हाथ जिंदगी भर पकड़ना है तेरे को, घबरा के छोड़ क्यों दिया? अमर हाथ नहीं छोड़ा, वो खुद छुड़ा लिया। आप नहीं रहता ना तब पकड़ता, आप आ जाता तो छोड़ देता। रुक्मिणी, दो दिन से मुंह नहीं दिखाया, कहाँ थी? ये बहरा हो गया, सुनता नहीं। अम्मा पूछता, दो दिन से मुंह नहीं दिखाया, बोलो जवाब दो। मैं चावल के कैद में काम करने के लिए गई थी अम्मा। भगवान करे इस बरस का खेती अच्छा हो, नहीं तो दो बखत का रोटी नहीं मिलेगा। अम्मा, एक टाइम का रोटी खाने से ये बैंगन बन गया, दो टाइम का रोटी खाएगा तो ये कद्दू बन जाएगा। क्या बोला तुम? माम को कद्दू बोलता है? मैं कद्दू है तो तुम क्यों बंदर के जैसे मेरे आगे पीछे नाचता? ये जबान संभाल के बात कर रहा, तुमने तो मारेगा। बोला पहले उसका साथ शादी करना, फिर मारने का अधिकार मिलेगा। क्या बोलता तुम? मेरे को बंदर बोलता? तुम क्यों आपको कद्दू बोला? जो मेरे दिल में आएगा मैं तेरे को बोलेगा, जो आम बोलेगा वो तुम सुनना। नहीं सुनता? मारेगा अम्मा ही।
अम्मा अम्मा करके डराता क्या तुम? चले जाना मैं नहीं जाऊंगा। चले जाना। नहीं जाता तुम, नहीं जाता तो फिर झोपड़े के अंदर आना। முத்துக்குளி கவாரிஹடா, முத்துக்குளி கவாரிஹடா, ஐயோ முத்துக்குளி கவாரிஹடா, முத்துக்குளி கவாரிஹடா, ஐயோ ரே பியார் மே ஜோ நா கர்னா சாஹா, அபி முஜே கர்னா படா, முத்துக்குளி கவாரிஹடா तोड़ी कवाड़ी हड़ा अयोर प्यार में जो ना करना चाहा वो भी मुझे करना पड़ा अयोड़ा अयो अयो मुत्तुकोड़ी कवाड़ी हड़ा अम्मे मुत्तुकोड़ी कवाड़ी हड़ा दिखा दूं अच्छा धरती ऊपर है स्वर्ग नीचे थोड़ा तो दुनिया से डर ले एंडे कर ले एंडे कर ले ना माने बेदर्दी अयोड़ा अयोड़ा अयो अयो मुत्तुकोड़ी कवाड़ी हड़ा अम्मा मुत्तुकोड़ी कवाड़ी हड़ा अयो रे प्यार में जो ना करना चाहा वो भी मुझे करना पड़ा अयो अम्मा मुत्तुकोड़ी कवाड़ी हड़ा अम्मा मुत्तुकोड़ी कवाड़ी हड़ा मुझे बेकल कल 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 सीने से गिर के तेरा चल सीना ताने बाहें खोले ऐसे ये मस्तानी बोले बोले जैसे दारू का गड़ा अयो अम्मा मुत्तुकोड़ी कवाड़ी हड़ा मुत्तुकोड़ी कवाड़ी हड़ा अयो रे प्यार में जो ना करना चाहा वो भी मुझे करना पड़ा अयोड़ा अम्मे मुत्तुकोड़ी कवाड़ी हड़ा अम्मा मुत्तुकोड़ी कवाड़ी हड़ा अयो रे प्यार में जो ना करना चाहा वो भी मुझे करना पड़ा अयोड़ा अयो अयो मुत्तुकोड़ी कवाड़ी हड़ा अम्मे मुत्तुकोड़ी कवाड़ी हड़ा अयो मुत्तुकोड़ी कवाड़ी हड़ा अयोड़ा अम्मे मुत्तुकोड़ी कवाड़ी हड़ा अम्मे मुत्तुकोड़ी कवाड़ी हड़ा छोटे मालिक क्या है ये लीजिए चिट्ठी किसने दी है आप ही के नाम है छोटे मालिक बड़े मालिक के कमरे में कचरा बास्केट साफ कर रहा था उसी में पड़ी थी ठीक है श्री चरित्र कुमार छुट्टन तुम जी कच्चे धागे से चले आए हैं सरकार बंधे इसे कहते हैं जोरे उल्फत प्रेम शक्ति बाप शक्ति भी मौजूद है इस घर में हाँ डबल मेरे डैडी और तुम्हारे पापा बाहर बैठे बातें कर रहे वकील साहब भी आए हैं क्या हुआ चौंक पड़े
किसी मुवक्किल को फांसी पर चढ़वा दिया क्या? भाई साहब फांसी ही समझिए, दफा 302 महाबलेश्वर झील में से एक जवान मर्द की लाश निकली है, बिल्कुल सड़ी गली हुई, कपड़े लत्तों के अलावा पहचानना बहुत मुश्किल है। आपने पुत्तन को तार भिजवा दिया था, अगर वो जिंदा है तो उसे अभी तक वापस लौट आना चाहिए था। देखिए बहुत सोचने का पॉइंट है, सोचने का। बहको मत यार, कहीं आवारा करने निकल गया मलिक। इंस्पेक्टर से आ रहे हैं। इंस्पेक्टर हाँ। देखिए बिल्कुल चौकन्ने हो जाइए, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा, कहीं वो आपको फंसा न ले। मैं कहता हूँ बड़ी नाजुक घड़ियां पहुंची। नमस्ते दीवान बहादुर जी। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, तशरीफ रखिए। कहिए अब कैसे आना हुआ? एक उलझन में हूँ, सुलझा नहीं पाया। कहिए, शायद आप मेरी मदद कर सकें। जरूर। वैसे मुझे घड़ियों की पहचान नहीं, आपको जरूर होगी। बिल्कुल है, तुम्हारी नाजुक घड़ी आ गई। ये देखिए ओमेगा सी मास्टर। मेरे घुटना का गुजारो भाई, अपना खुजाओ। इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल ऐसी, देख लो जरा नंबर। हाँ वही नंबर है, यही घड़ी मैंने पुट्टन के लिए खरीदी। हाँ क्या कर रहे हो? कह रहे थे ना नाजुक घड़ी आ गई, भला अपने बेटे को मैं कोई घटिया घड़ी दूंगा? कभी ना देंगे। यही तो इंस्पेक्टर साहब, लेकिन ये घड़ी आपको मिली कैसे? कहीं उल्लू के पट्टे ने उधारी चुकाने के लिए घड़ी बेच तो नहीं दी? जी हाँ। क्या कर रहे हो तुम? और कपड़े लगते भी बेच। कहाँ से चले जा रहे हो? कैसे घटिया वैद्य यार, खांसी के इलाज नहीं करते बनता तुम्हें? ये देखिए ये कोट पुट्टन का है ना? बिल्कुल ये पुट्टन का है, यानी वो कथा कपड़े लत्ते भी बेचने लगा। वकील, उसने तो हमारी नाक काट दी। मगर तुम अपने बेटे की गर्दन कटवा के रहोगे? क्या बकते हो तुम? दीवान बहादुर जी, ये घड़ी और कोट उसी लाश पे मिले जो महाबलेश्वर की झील से निकाली गई। इंस्पेक्टर साहब कोई भी लाश पर मिले हो, कोई भी लाश लाश गलत, बिल्कुल गलत। आप मेरे साथ महाबलेश्वर चलिए, मैं साबित कर दूंगा कि पुट्टन जिंदा है। जो सबूत हमें चाहिए था मिल चुका, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। अभी सीधे वन पॉइंट इंस्पेक्टर साहब, देखिए वारंट के बिना आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। ऐसा वारंट है? जी हाँ, वारंट भी ले आया हूँ। ये रहा वकील साहब, मैं पुट्टन को आपके सामने जिंदा पेश करके दिखाऊंगा। आप मुझे दो दिन की मोहलत तो, एक मिनट की मोहलत नहीं मिल सकती। मुझे महाबलेश्वर तो जाने दीजिए। बिल्कुल नहीं बेटा, पुट्टन जिंदा है, सच कहो। जी बिल्कुल जिंदा है। ये क्या किया आपने? वारंट में नहीं रहा, अब गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। ओ यार, तुम दो कौड़ी का वकील हो, जिन इंस्पेक्टर मुझसे 420 करता और तुम खड़कते रहे। अब कैसा पॉइंट निकाला? बहुत जल्द मालूम पड़ेगा दीवान बहादुर, अब तो हथकड़ी पहना कर ले जाऊंगा। अरे जाओ, तुम मेरे सामने गिरफ्तार कर लो। दीवान बहादुर होश में आइए। मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। मुझे मैं कहता हूँ, मुझे हाथ अपाई पर मजबूर मत कीजिए। तुमने मेरे साथ 420 की, अरे मेरे बयान से मेरे घर में मेरे बेटा, छोड़ लीजिए मुझे। अरे मानी सेक्रेटरी पावर के सब ऑर्डर पकड़ लो। छोड़ दीजिए मुझे। भाग निकल सेक्रेटरी, तुम मदद करो मेरे बेटे की। दीवान बहादुर छोड़ दो मुझे। दीवान बहादुर छोड़ दो मुझे। हाथी का नाम छुट्टन है। हाँ हाँ हाँ, आज जरूरी बात करनी है तो मुझसे, लेकिन मेरे पीछे तो पुलिस पड़ी है, इसीलिए तो हम आपको बचा रहे हैं। हाँ चलो गाड़ी चला। पुलिस बहुत तंग करती है। अरे ये चिट्ठी, मैं तो इसे भूल गया। ये तो पुट्टन की चिट्ठी है। प्री भैया छुट्टन, मेरे भाई पुट्टन ने लिखा है कि 15 दिसंबर की शाम को आष्टा गांव में हेलीकॉप्टर उतरेगा। और सुनो, ये फटा हुआ कागज देखते हो? तुम कहोगे कि बेकार, ठीक तो ऐसे कहोगे ना? कहोगे ना? शंकर गाड़ी तेज भगाओ, ताकि इनको जवाब दे सके। भाई साहब मुझे जल्दी नहीं है, आप मेरी बात सुनते जाइए सुनते जाइए। इस कागज की कीमत जानते हो? 5 करोड़। सुने नहीं? क्या बात है भाई साहब, आप लोग सुन के चौंके नहीं क्या? बहुत जल्द आप चौंकेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि मोटे पैसे मारता क्यों है? कागज मुझे दे। अच्छा।
अच्छा तो 5 करोड़ का नाम सुनते ही नियत बदल गई। सीधे से वो कागज मुझे दे दे। नहीं दूंगा। नहीं देगा? नहीं। इस देश से कानून का राज उठ गया है क्या? कानून का ही राज है, आपका नहीं। आपने कानून तोड़ा है इसीलिए आप बंद हैं। अरे दिमाग तो नहीं खराब तुम्हारा, कौन सा कानून तोड़ा मैंने? भागने में मुलजिम की मदद की, गिरफ्तारी का वारंट फाड़ डाला और पुलिस ऑफिसर को अपनी ड्यूटी बजाने से रोका। रोक पाने के तुम्हारे हवाले कर देता। तुम मेरे बेकसूर बेटे को जबरदस्ती गिरफ्तार करने आए थे। भला दुनिया में कौन सा बाप है जो अपने बेटे को जेल जाने तो नहीं रोकेगा? बहुत हो गया भाई साहब, बहुत हो गया। ये चीखना चिल्लाना बंद कीजिए। बंद कीजिए, बंद कीजिए। तो फिर क्या शुरू करूं? इन सलाखों के पीछे नाचूं, गाऊं, खुशियां मनाऊं? पॉइंट है आपकी बात में, खुशियां मनाने का मौका आ गया। अरे सुनो इसको, गधेपन की बात करने में ये वकील मेरे बेटों से कुछ कम नहीं। तभी तो एक उल्लू को दामाद बनाने पर राजी हो गया। इंस्पेक्टर साहब ये लीजिए। भाई साहब आपने मेरे पॉइंट को अच्छी तरह सोचा ही नहीं। मैंने रहाई की खुशी मनाने के लिए कहा था। मैं कोर्ट से सीधा चला आ रहा हूँ आपका रिलीज ऑर्डर लेकर। रिलीज ऑर्डर? मेरा रिलीज ऑर्डर था। जान बहादुर जी बाहर तशरीफ लाइए। आइए आइए। माफ करना भाई, तुम्हें गधा कर दिया तुमने पहले। कोई बात नहीं जान बहादुर जी, खुश होने की खास बात नहीं। आप जमानत पर जा रहे हैं, माफ नहीं किए गए। खाचू खाचू, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, मेरे साथ वकील है। चलो सुनो बेटी, तुम जी भर के पुट्टन से प्रेम करना। अरे नाना मैं देखता हूँ तुम्हारा ब्याह उसके साथ कैसे नहीं होता। सुनिए भाई साहब, ये ब्याह रचाने आप बारात स्वर्ग ले जाएंगे क्या? कमाल करते हो यार, मुझे हमेशा से यकीन है कि पुट्टन जिंदा है। मुझे भी यकीन है, मेरा दिल भी कहता है वो जिंदा है। सुनो सुनो लकड़ी, मेरा मतलब है लड़कियों, साबित करो कि क्या पॉइंट है तुम्हारे पास। साबित तो नहीं कर सकते डैडी, लेकिन हमने एक प्लान सोचा है जिससे पुट्टन खुद हमारे सामने आएंगे। क्या प्लान है? इश्तिहार। प्यारे बेटे पुट्टन, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। गलत है, जितना गड़गड़ाऊंगा उतना तंग करेगा। आप आगे तो पढ़िए। जो इस आदमी को नीचे लेके पते पर पहुंचाएगा उसे 20,000 रुपए का नाम दिया जाएगा। ज्यादा है क्या? नहीं नहीं, इनके लिए ज्यादा नहीं है। दीवान बहादुर अटल राय, मलाबार हिल, बम्बई। कैसी तरकीब है अंकल? क्यों अंकल, ठीक नहीं? शाबाश। अरे वाह वाह वाह, रामचंद्र की सेना यहाँ बैठी है। कि भाई कुछ बोल तो सही, कि तू भी मुझसे नहीं बोलेगा। ये ले अपना खाना। खाना देता है मैं। अच्छा दैट्स अ गुड गर्ल। पहले शेक हैंड करो। अभी इधर किसी करो नहीं। अच्छी तरह एक और, वन मोर। अरे इधर नहीं, पहले इधर। ऐसे दैट्स अ गुड गर्ल। अभी सलाम करो। अभी तेरे को सचमुच खाना मिलता है। ये ए, ए, ये ले। ये ले। ಹೇಳ್ತಾ
का जहाज है। अयो अयो फस गया जी। सर सर कौन है तुम? सर हम गोदी में काम करता सर। सर जहाज पानी में कितना दूर आया? बीच समुद्र। बीच समुद्र थोड़ा वापस लेना जी। तुम्हारे लिए मैं जहाज घुमा नहीं सकता। अरे क्या बात करता सर, इधर पुलिस का ट्रैफिक नहीं, थोड़ा घुमा लेना। तुम पगला तो नहीं हो गया? अब पागल नहीं जी, मेरा नाम मणि, मैं मेरे माँ के बिना नहीं रह सकता सर। मेरे को मेरा माँ याद आता है। अमर अमर इंद्र भगवान है, तू मेरे को दो बेटा दिया और दोनों भी ले लिया, ये कौन सा पाप का बदला लेता रे भगवान। अमाई, 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 देखो ये देखो उनका फोटो, आपका लड़का का फोटो। हाँ, इसका तो बाल भी काट दिया, अब मुझे छोटा कर दिया। हाँ, इतना बड़ा जुलम मेरे बेटे का साथ कौन किया? अब बॉम्बे में कोई किया, इनका फोटो के साथ पता भी है। ये पेपर में जो कुछ लिखा मैं दूसरे आदमी से पढ़ाया, वो बोला इनको कौन बॉम्बे ले आएंगे उसको 20,000 रुपए इनाम देंगे। पैसे का लालच में कोई रवड़ी मवाली मेरे बेटे को बम्बई लेकर गया। रुक्मिणी मेरा बेटा बहुत मुसीबत में होगा, चल अभी बम्बई जाके उसको ढूंढेंगे। चला मैं चल। आ गई प्यारी, ये देख तेरा खाना आ गया, लेकिन मैं देने वाला नहीं। अगर तुझे खाना खाना, मेरी बात सुनेगी कि नहीं? सीधा बात सुनो, अगर तुझे ये खाना खाना है तो पहले मेरा एक काम करना होगा, ये जो दरवाजा है ना इसे खोलना होगा। मैंने तो बहुत कोशिश की, मुझसे तो खुलता नहीं भाई। अब तू ये समझ ले इसे खोलना कैसे है। इधर देख, इधर से ऐसे है, ऐसे जाके ये दरवाजा, इधर इसकी कड़ी है, इधर ये इधर, उसको ऐसे खोल देना, ऐसे खोल देना और अंदर आ जाना, अंदर आना और खाना खाना। जा पापा जल्दी जा, जल्दी 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 जा, जाओ जाओ। That's a good girl. आजा मेरे पास आजा प्यारी, ये वाली आ जा। अरे अरे ऊपर के आगे मेरे बाप, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, नीचा के मेरी कड़ी खोल दे तो वो लोग आ जाएंगे। हाँ जल्दी, मेरा हाथ नहीं पहुँचता, मेरी कड़ी खोल दे प्लीज, मेरी जान मेरी बिल्कुल मेरी कड़ी खोल दे। That's a good girl. प्यारी खोल। अरे 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 ये क्या करिए? अरे वो लोग आ जाएंगे, दरवाजा खोल दे, कड़ी खोल दे। That's a good girl. पूनम देख यही गाड़ी है वो। क्या? हाँ गाड़ी का कलर वही है, और वो देख पिछली सीट पे जो खिलौना लटका है ना। हाँ? उस गाड़ी में भी यही खिलौना था, तो चलो पीछा करें, जल्दी चलो और देख चल शैला। सोचो सोचो कुछ तो सोचो, बैठ गया चल चल। आप यही रहते हैं क्या? ऐसे ही। और यहाँ ये बंगला बंद है क्या? तो महाबलेश्वर में हमें एक बंगला किराए पे चाहिए, सर अंदर से दिखा दो ना। ये बंगला किराए के लिए नहीं। सुनो तो, तुम्हारा ये बंगला हमें बहुत भा गया है, भले किराए पे ना मिले एक बार दिखा तो दो, तुम्हें इनाम मिलेगा। ये लो 20 रुपए रखो। अच्छा, आप लोगों को इस बंगले में बड़ी दिलचस्पी है, शायद दिखाना ही पड़ेगा। आप लोग यहीं ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। पूनम ये देख देख, मेरी आँख कैसे जोर से फड़क रही है, मेरा दिल भी धड़क रहा है, जरूर कोई खतरा है, चल भाग चल यहाँ से। गोवा आ गया? आ गया। अब कौन दिन चलना? दो दिन के बाद जाएगा। दो दिन हम क्या करेंगे सर?
तुमने गोवा देखा? नहीं सर। अच्छा, ये 20 रुपया रखो और जाओ गोवा देख कर आओ। अच्छा सर, अच्छा जा तो। हाँ। डा 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 डा। डा 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 डा। मुत्तु कुड़ी। उस्ताद। उधर देखो। इधर देखो। शक्ल तो वही है मगर आदमी वो नहीं, कोई गांव भी मालूम होता है। हुलिया बदल दो, 20,000 रुपए। आज ही तूने अकल की बात की है टोनी, आ मेरे साथ। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते बेटा, तूने हमको पहचाना नहीं। अयो रहा, हमको बेटा बोलता। सर आप थोड़ा इधर आएगा। क्यों? ये पॉकेट में मेरा पैसा है, आपसे डर लगता है। कितना पैसा है? बहुत पैसा जी, 10-10 का 2 नोट, 20 रुपया। जय गुरु, झटपट लाज कर दे गरीब का काज, बना दे 20 के 40। तुम्हारा दूसरा जेब देखो। अजोरा, ये क्या जी, इधर भी पैसा आ गया, मेरा भी पैसा, बहुत पैसा। जय गुरु, झटपट लाज बना दे 40 के 60। अब वो जेब देखो, ये है। अयो अयोरा, कितना पैसा हो गया जी, हमें कोने में बैठ जाता, आप लोग मेरे अंदर से पैसा निकालता रहे जी। अब ये नहीं हो सकता, हमारे गुरु में सिर्फ धन बनाने की शक्ति है। नहीं, हमारे गुरु झटपट राज के पास लक्ष्मी बनाने की 100 गुना शक्ति है। तुम्हारे 60 के 6,000 रुपया बना देंगे। 6,000? सर फिर जल्दी बनाना जी, हम कोचिंग जाकर रुकमणी से शादी बनाएगा। मगर वो जगह बहुत दूर है, ट्रेन में जाना होगा। ट्रेन में? फिक्र मत करो, कल तक वापस आ जाओगी। उसका परवाह नहीं जी, हमारा जहाज गोवा में 2 दिन रहता। फिर डर की बात का? डर ऐसा बोले तो, आप बोला ना ट्रेन में जाने का, आप दोनों का टिकट का पैसा आप लोग देगा। अरे हाँ, फिक्र क्यों करता है, हम हमारी भी टिकट लेगा और तेरी भी लेगा। अयो तो फिर जल्दी चलना जी गुरु के पास। पूनम, अब और कहाँ ढूंढेंगे, उसी बंगले में एक बार और चले। ये देख, तू इस जगह का नाम लेती है और मेरी आंख फड़कने लगती है। तो फिर कहाँ चलेंगे? बोलो ने जाने, यही वो दो लड़कियाँ। अच्छा, नमस्ते जी। नमस्ते जी। सुना है आपको हमारे बंगले में बड़ी दिलचस्पी है। थी, लेकिन अब हमने दूसरा बंगला देख लिया है। हाँ हाँ, देख लिया है। लेकिन आप तो हमारा बंगला देखना चाहती थी, चलकर देख लीजिए ना। हम कल खुद ही जाकर देख लेंगे। चल चल चल। कल नहीं, आज ही, अभी। अब क्या करना है, चल भाग, चले चले। सॉरी। पहचाना?
जी, शायद आपको कहीं देखा है। अजीन बाहों की बात कीजिए, चले आइए, फौरन पहचानेंगी। बड़े बदतमीज हैं आप। फौलादी बाहें हैं मेम साहब, इन्हीं के प्रताप से उन गुंडों की छुट्टी हुई थी। अच्छा, हाँ हाँ, आप ही थे वो। पहचाना, माफ कीजिए, हम लोग घबराहट में वहाँ से इतनी जल्दी भागे कि आपको ठीक से देख भी न सके। अब नजर भर के देख लीजिए, क्या ख्याल है? देखिए, मुझे ऐसी बेहुदा बातें बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, ठहरिए 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 ठहरिए, बातें पसंद नहीं, नहीं तो चलो हरकतें शुरू कर देते हैं। घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, मेरी बॉडी गार्ड प्यारी प्यारी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे अरे, ये क्या किया तुमने? अच्छा तो आप है 420 कहीं के, ये स्वांग क्यों नचा? भाई पुलिस ना पहचाने इसलिए इस भेस में पुट्टन को ढूंढता फिर रहा हूँ। वो मिले? अभी तक तो नहीं, लेकिन आज जाके ढूंढूंगा, शायद वहाँ मिल जाए। चलो हम भी साथ चलते हैं, हम कार लाए हैं। कार लाए हो? तो ऐसा करो, तुम मुझे आस्था छोड़कर बॉम्बे चली जाओ। बॉम्बे चली जाओ? क्यों? अरे भैया मर्दों वाली स्कीम है, इसमें औरतों का कोई काम नहीं। अरे मेरी बात तो सुनो, एक आदमी का आजाम मत के लिए दो आजाम हम पहले कभी नहीं देखा जी। बंद कर तेरे आज की चक्की, अभी तेरे कपड़े बदल कर तुझे गुरु दर्शन को ले जाना है। अब उठो उस्ताद, दोनों एक लगते हैं। अब काम बन गया सर, हमारा सर बहुत हल्का लगता सर। अरे अभी और हल्का हो जाएगा जब गुरु दर्शन करेगा। आईना देख, अयोटा मेरा बाल काट दिया, मेरा मुच्छी काट दिया। अम्मे अम्मे, मुंह बंद रख। काका। आप बोल बेटा। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। पूछे बेटा, क्या सवाल है? वही सवाल जो फिल्मों में हीरो हीरोइन होश में आने के बाद पूछते हैं। मैं कहाँ हूँ? कोल्हापुर के पास। हम क्या करें? काकी, सवाल नंबर दो, मैं यहाँ कैसे आया और आप लोग कौन हैं? अम्मी मछहरे। बेटा तुम रास्ते में बेहोश पड़े थे, हमारा लड़का लेकर आया। बेहोश पड़ा था, अब मुझे याद आ रहा, वो अली बाबा के साथी मेरी जान लेने पर तुले हुए थे कमीने कुत्ते कहीं के, और मैं जाने खोपड़ा देख कैसे मुस्कुरा रहा है। थोड़ा छोड़, पहले रस्सी कमर से बांध, चल जल्दी कर। घड़ी पहले इसे उतार लो। घड़ी ला मुझे दे। नहीं, इसे मैं रखूंगा। चुपचाप मुझे दे दे। नहीं देता। नहीं देगा। नहीं देगा। नहीं देगा। हाँ नहीं देगा। अरे 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 अरे, क्या खोपड़ी बनना है ये? क्या कुत्ते जैसा भौंक रहे हो तुम लोग? मैयत को आराम से ले जाते हैं। मुर्दा बोलने लगा? बोलने तो क्या, मुर्दा भाग भी सकता है। अरे कैसे भागेगा? पहली बार जिंदगी में किसी को मरते हुए देखा। काकी, हा? तुम्हारा उपकार मैं जिंदगी भर तक नहीं चुका सकता, फिर कभी आऊंगा। अभी तो मुझे अपने भाई के पास बॉम्बे जाना है,
लेकिन काकी। हाँ बेटा। मेरे कपड़े हैं या आप लोगों ने बेच दिए? नहीं 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 नहीं। है ना? अरे क्यों रो रहा है? अरे क्या बात क्या है बोल? हम कहीं तो बोल रहे, तुम बोलता मुंह बंद रखने का वास्ते, मुंह खोलेंगे तो बोले जाना। कोई बात नहीं बेटे, बता दे क्या बात है, क्यों रो रहा? हम नहीं रोता जी, मेरा पेट रोता, भूख लगा मेरे को। अच्छा डोले, अगले स्टेशन पे इसको एक बटाटा वाला मार। योड़ा सर, ये आपको उस्ताद बोलता, आप इसको स्कूल में पढ़ाया क्या? हाँ ये मेरा चेला है चेला। आप स्कूल का मास्टर से अचानक कब बना? आप मेरा बाल काटा, मुच्छी काटा। क्यों बे, बहुत पोपट की बोली बोल रहा है छापा रखे। जाने दो, कभी बंद रखना कभी खोलना। हमारे क्या, जब तक 6000 रुपए नहीं मिलेगा मैं सबको बंद रखेंगे। वन कोक, थिंक को बैट विद कोक का कोला। ये देखो, उधर देखो, थिंक को बैट विद कोक का कोला। यही है वो, इसी का 20,000 रुपए इनाम है। अरे भाई तुम कौन हो भाई? अबे ना भाई बोलता फिर पूछता क्यों हो कि तुम कौन हो भाई? कहाँ जा रहे हो भाई साहब? चल ले, हम तुम्हें बॉम्बे ले जाएंगे। काले भाई से तेरे पे चल के बॉम्बे 6 महीने के बाद पहुंचूंगा, ट्रेन कल तक पहुंचा देंगे। अबे हम तुम्हें ट्रेन में ले चलेंगे, मगर हमारे साथ चलना होगा। तुम्हारे साथ क्यों चलना होगा? इधर तरह नहीं चलोगे। अरे वो तो चला, क्या करता है यार? अबे पतलून तो फाड़ दिया, अब चाकू से क्या फाड़ेगा? मेरा सीना। खामोशी से चल। किधर? चल मेरे साथ। चलता हूँ, एक लुंगी दिला दे यार। अरे रोना क्यों है? पानी पीने जी। अबे इसमें रोने की क्या बात है? चल पहले सर के उतरा, जल्दी से पानी पी के आ जा। जा जा रोता है कमबख्त। ए बच्चे बोला था मेरा तो छोड़ना है तेरी तो। पकोड़ा लो पकोड़ा। ओ से पैकेट ले जाता है काची। बोलो अबे चल हट, पैकेट मार मालूम पड़ता है। अरे कहाँ गया? अजोड़ा लाइन में आने दिए, पहले हम पीना बाद में तुम पीना। हाँ छुड़ा के भागा था। चल आइए छोड़ी छोड़। गाड़ी छूटने वाले तो क्या, गाड़ी तेरे बाप की, मेरे को जाने का जाओगे तो नहीं जाऊंगा। हमको चोड़े चोड़ था, दूसरा पकड़ दो चोड़े। उल्टी है नॉट
टोनी, ये चुप्पी के पड़ कैसे निकल आए? तूने एक ही बटाटा वड़ा खिलाया था ना? उस तरह तो वड़ा खाते ही पड़ा होगा। आप तो गांव के मुर्गे, ये खून नीचे हटा दे, अपने आप को क्या रईस का बेटा समझता है? कुकड़, वो कुकड़ सैंडविच बना के खा लूंगा, तेरे जैसे को मैं घर में पाँव दबाने नौकर रखता हूँ, समझा तू? उस्ताद, इसके तो तेवर भी बदल गए और भाषा भी बदल गई। मेरी समझ में नहीं आता, ये कोई दाल में काला जरूर है। अगर लफंगों की भी टिकट पूछी देख चोटी के हम कुछ बगैर टिकट के क्या? हमको बना था, हम थर्ड क्लास सीटी है लेकिन थर्ड क्लास सीट नहीं है, क्या समझे? उठो उठो चलो, लेकिन बात मारता बाबा, तू भी संभालना तुम्हारी, बहुत हिलती है। भैया पता, पता देखो, ये मेरा बेटा जी, ये बहुत दूर है, टैक्सी वाले को बताओ वो पहुंचा देगा। अच्छा चल, रुक्मिणी 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 अच्छा रुक्मिणी आई बाप रे, चलते इकड़े इकड़े इकड़े, किधर जाना है? मलबार हिल। एंड कर ले, एंड कर ले, मैं कितनी ढूंढा, एंड कर ले कितनी ढूंढा, ढूंढ ढूंढ कर मैं थक गई। अरे अब तक तो मर्द लोग मेरे गले पड़ रहे थे, अब ये औरत गले पड़ रही है, सिर्फ बच्चों की कसर बाकी रह गई। बच्चे भी हो जाएगा, पहले मुझे शादी कर लो। अरे शर्म नहीं आती तेरे को? तेरा कोई बाप भाई है कि नहीं? छोड़ मेरा। क्या हमको तुम नहीं पहचाना? भूल गई मुझे? छोड़ मेरा हाथ। हे ड्राइवर भैया, पकड़ो इनका हाथ। अरे हट, चल अरे छोड़ना 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 यार मेरे को। अरे माँ मेरे को तू कहा ले रही कोचिंग? देखो भाइयों, भरे बाजार के अंदर एक मर्द की आबरू ये औरत लूट रही है। अरे भाइयों, ये हमारा आने वाला मर्द है, हमको छोड़कर भाग जाता है। भाइयों ना, ये जोरू मर्द का झगड़ा कहा है कोचिंग? ए अपनी बीबी को साथ ले जा। कहा ले जाओ? कोचिंग ले जा। चल कोचिंग कहा ले जाओ? क्या दी है? कोल्हापुर से लेकर बम्बई तक खींच के लेकर आया, इतना बड़ा कबड्डी हम पहले कभी नहीं खेला। अरे टट्टू मत बनो, तुम्हारे मजाक से घर वालों के सर पर मुसीबत खड़ी हो गई है। खड़ी भी नहीं, बैठी भी नहीं, किचड़ा। चलो। अयोध्या वल्लार नल्ला था आटन डल्लो। हाँ हाँ अयो यो 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 हाँ 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 क्या दे? बहुत बड़ा बिल्डर है तुम्हारा, ये किसका धर्म चला दिए? तुम्हारे बाप का। मजाक छोड़ो पुट्टन, ये तुम्हारा घर है। क्या बना था जी, ये कोचिंग से उड़ के मेरा घर इधर कहाँ जाए जी? जाते कहाँ हो? अयो सर, ये तुम्हारा पकड़ है, मुंगूस का पकड़ जी, ये मेरा हाथ साफ नहीं छोड़ना। अयो अम्मे अम्मे, क्या शोर मचा रखा, क्या बात है तुम लोग? अरे तू तू कहाँ भाग गया था? कोचिंग में सर। अरे तभी ये ट्रेडमार्क बना के आया है। अरे छुट्टन की माँ सुनती हो? छुट्टन का माँ मालती मालती, बड़ों का नाम क्यों लेता है? शर्म नहीं आती तुझे? हम आपका मदद करते चाहिए। कभी कभी तुझ पर गुस्सा भी आता है, कभी कभी प्यार भी। तेरे कान बाद में खींचूंगा, पहले तुझसे गले मिल लूं, बहुत दिनों के बाद आया है। अब भी सुधर जा पुट्टन। मैं तुझे पुट्टन नहीं जी, हम मणि मणि। हाँ ये क्या नया ढंग शुरू कर दिया तूने गधे? आप सुनती सर, ये पहला हमको प्यार से आगे मिला, गले लगाया, अभी गधा बोलता, ये कौन बुड्ढा है? सर फोड़ दूंगा तेरा, मुझसे पूछता मैं कौन हूँ? उल्लू? देखो सर, मेरे को उल्लू उल्लू नहीं बोलना, हम बहुत इज्जत वाला आदमी। अरे क्या इज्जत? पुट्टन मेरे लाल। अयो पुट्टन नहीं बोलना जी। कितना तड़पाया, कितना रुलाया मुझे, माँ से कोई ऐसा भयानक खेल खेलता है बोलो? हम नहीं खेलता जी, आप लोग खेलते मेरे साथ में, जो मिलता मेरे को बेटा भर के लपट लेता।
एक बार मद्रास में एक आदमी बेटा बोल के लपटा, मेरा पागल मार दिया उसने। तुम आते देखो मेरा पैसा लिया गया। कैसी बातें कर रहा है निगोड़े? तेरा तो बोलने चालने का ढंग ही बदल गया। कुत्ते की तुम सीधी हुई है कभी? एक नया कारनामा सुनो, मुझे बाप मानने से इनकार करता है ये गधा। देखा जी है, कभी कुत्ता बोलता कभी गधा बोलता है, मैं इज्जत वाला आदमी बोला ना तुम्हारा? क्या चुप, कैसी बातें कर रहा है? क्या हो गया इसे? हमारी भी अकल काम नहीं करती आंटी, जाने क्यों ये हमें भी पहचानने से इनकार कर रहे हैं। इनके भाई कह रहे थे कि दोनों भाइयों ने मिलकर कोई मर्दों वाली स्कीम बनाई है। क्या क्या मर्दों वाली स्कीम? कोल्हापुर के नजदीक कोई गांव है आष्टा, वहाँ कोई स्कीम बनाई है। समझो, ये सब कुछ मुझे परेशान करने के लिए। स्कीम का भूत उतारता हूँ अभी तेरे सर पर से। कहा मेरी छड़ी? छड़ी छड़ी क्या? मैं कहती हूँ मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को मारना चाहते हो? ये मेरे को मारेगा क्या जी? ना मिला मेरे बच्चे, तुझे कोई नहीं मारेगा, तू घबरा मत। मैं समझ गई, तू इनसे बदला लेना चाहता है ना, मैं इन्हें समझा दूंगी। आप समझा लो ना उसको। हाँ बच्चे, ये पतलून चाप औरत से आप बहुत अच्छा औरत जी है। आपको देख के मेरे को मेरा अम्मा याद आता। अम्मा है, अब इधर तुम किधर? आगे देखे बात, एक उनकी बहन कहाँ तक खींचेगी मुझे? छोड़, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको ठीक नहीं करूंगी। मेरी नाम रुक्मणी नहीं। अरे तेरी नाम रुक्मणी है लेकिन तू रुकने का नाम नहीं लेती है। बम्बे से याद है मुझे खींच लाई क्यों? जैसे बाजरी वैसे गेहूं, चल अंदर। अरे 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 बाप रे, इतनी सी है लेकिन कोचिन का झींगा मच्छी खाकर तेरे में ताकत बहुत है। अब बोल इस झोपड़े में क्यों लाई है? देखिए तुम कैसे ये बोलना पड़ेगा, तुम अंडे कर ले। क्या अंडा करेला? अंडा करला नहीं, इंडे कर ले। मतलब तुम मेरा जान, जान था जान है, हमेशा मैरिज रहूंगी। देख पब्लिक के सामने जब तू ये सब बोलती थी ना तब चलता था, अब अकेले झोपड़े के अंदर तू ये सब बोलेगी तो मैं चिल्लाऊंगा चीखूंगा। देखो तुम चिल्लाओ ठीक हो, हम क्यों डरेंगे? ये गांव वाले सब तेरे को बुरा बोलेगा। ऐसा है क्या? मेरे को इस गांव वालों के बारे में कुछ नहीं मालूम। इस गांव की हर औरत पति हरण करती है क्या? ये भगवान है, इनको क्या हो गया? अपने गांव भूल गया, भाषा भूल गया, सब कुछ भूल गया। अंडे करले को क्या हो गया भगवान? अरे क्या अंडा करला, अंडा करला बोलो। अरे अंडा करला नहीं, अंडे करले को क्या हो गया? तो मेरे से पूछ क्या हो गया है? अंडे करले के सर पर एक चुड़ैल बैठकर कथकली डांस कर रही है। क्या चुड़ैल? चुड़ैल? हाँ। तुम हमको चुड़ैल बोलते हैं? बोला तेरा तुमको क्या करोगे? बताएंगे मैं तुमको क्या करूंगी? चुड़ैल बोलते हैं? सुनो मैं तुमको क्या बोलेंगे तो मानना पड़ेगा, और अगर नहीं मानेंगे तो? नहीं मानेंगे तो तुमको रस्सी रस्सी। अरे चुड़ैल बोलते हमको? अरे चुड़ैल है मैं। अरे बाप रे, ये तो कोचीन भी कुड़ी है, बचना मुश्किल, हाथ बांध रही है। हाँ हाँ, हाथ भी बांध देगा, पैर भी बांध देगा, तुमको सब कुछ बांध देगा। सब कुछ? और फिर क्या करेगा? फिर घर को ताला लगाएगा, उसके बाद? उसके बाद क्या? तुमको छोड़कर भाग जाऊंगी। हाँ, तो भाग जा, दफा हो जा यहाँ से। क्या तुम गुस्से से बोलते हैं? तुमको बड़ा जल्दी है मैं भागने का, मैं नहीं जाऊंगी। अरे मेरी जान, मेरी बुलबुल तरंग, मैंने तुम्हें बड़े प्यार से कहा था कि मेरी मोरनी, मेरी हिरनी, ठुमक ठुमक कर तुम यहाँ से चली जाओ। अंडे भगवान, मैं मर गई, तुम इतने दिन के बाद तुम मुझे इतने प्यार से बुला, मैं तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगी। अरे चुड़ैल दफा हो जा यहाँ से। तुम जो कुछ कहो तुम मेरे अंडे कर ले। भगवान फोड़ दे इस अंडे को, फोड़ दे फोड़ दे फोड़ दे। तुम अकेले नहीं फोड़ना, मुझे भी फोड़ देना, फोड़ दे फोड़ दे फोड़ दे। पुट्टन पुट्टन नहीं मणि, सुन लिया? और देखो कैसा गंवारी की तरह सोफे पर पैर जमाए बैठा है। ये सोफे पर पांव नहीं जमाएंगे तो किधर जमाएंगे जी? मेरे सर पर जमाओ बेटा, तुम जैसे सपूतों से यही उम्मीद है। तिकी तिकी तिकी, बोलो कितने बार कहूं कि तुम मेरे बेटे हो तो मुझे माफ कर दोगे? अयो अयो तेरे झगड़े का बात करता थी तुम, उल्लू के पट्टे तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ। छुट्टन का वारंट कैंसिल करवा दे, एक बार मान जा कि तू मेरा बेटा है। ये मैं तेरा बेटा नहीं, 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 नहीं। मेरे लाल लाल अभी मैं पी लो अभी नहीं। अच्छा तो गुस्से में कह दिया था कि तुम इनके बेटे नहीं। गुस्से में वो आदमी अकल का बात करता, उसको बोला गुस्से के अंदर रहने के वास्ते मैं इसका बेटा नहीं। तुम्हें मेरा बाप बनता
तुमने मेरा माँ से शादी किया, मेरे को गाली देते तुम? नहीं बेटा मैं तो मार मेरे को पड़ता, वो बोलता सहना उसको पड़ता, कोई बात नहीं जी, हम सह लेंगे, हम गरीब आदमी ना, तुम सह तुम लोग मेरे को मारो। अरे तुम अमीर गरीब क्या समझे, हम नहीं बनता। तुम्हारा कलेजा मुंह को आता जी, मेरा कलेजा मुंह का बाहर आता, हम झूठ बोलता मेरा बाप के सामने तो मेरा बाप मेरे को मारता था, इसके सामने हम सच बोलता तो ये मेरे को मारता, तुम किसका बाप बनने का लायक नहीं जी। नरमी से काम देना होगा, शायद इसका दिमाग खराब है। इसका दिमाग था कब? हो सकता है मेरे बेटे पर किसी ने जादू टोना। अरे जादू टोना था, सबको बेवकूफ बना रहा है। मेरे बच्चे होश में आने लगा, इनसे नाराज है तो बदला मुझसे क्यों? तरस खा बेटा, मुझे भागल पर तरस खा। सर आप बहुत अच्छे जी, आप रोना नहीं सर, आप रोएंगे तो मैं बहुत रोएंगा जी, आप रोना नहीं। छुट्टन पर मुसीबत है, तू अपनी जबान से बोल दे मैं पुट्टन हूँ, मेरा बेटा मुझे मिल जाएगा। हम पुट्टन बोलेगा तो आपका बेटा मिलेगा आपको? हाँ मेरे लाल। हम सिर्फ एक बार बोलेगा जी। बोल मेरे लाल, बोल बोल। हम पुट्टन जी। अरे माता थे आए मेरे लाल, क्यों गड़बड़ कर रहा है? राम मस्करा है, राम मस्करा। ये क्या बात है? ठीक है, तुम पहले प्यार से बोलो, प्यारी प्यारी तुम्हारा हंसी सुना। मेरा हंसी सुनेगी? अच्छा ले सुना दी, आप खोल। ये क्या, ये तुम्हारा हंसी? तुम हंसी भी बोल गए? देखो मैं तुमको बताऊंगी तुम कैसे हंसता था। ऐसा हंसता था? हाँ। और तुमको अच्छा लगता था? बहुत अच्छा लगता था। देखो मैं तुमको और कुछ याद दिलाऊं? क्या? गाँव ना एंड कर ले। अरे कोचिन के करेले, मैं कोई मोहम्मद रफी की औलाद नहीं हूँ, मेरे को गाना नहीं आता। क्या तुम नहीं गाओगे? नहीं। तुमको गाना भूल गए, हंसे भूल गए, सब कुछ भूल गए। अम्मा ये इनको कुछ नहीं आता है, सब कुछ भूल गए। मेरे को खोलना। नहीं खोलेंगे। खोलना। नहीं खोलेंगे। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्यों पुट्टन को देखकर हैरान हो गए क्या? इंस्पेक्टर मधुसूदन आपके आज ही इसी वक्त छुट्टन का वारंट कैंसिल होना चाहिए। आप तशरीफ रखिए, बैठिए भाई साहब, बैठिए। पहले इस केस की दो चार पेचीदगियां सीधे कर लो। पहले तो इन्हें अपना उल्लू सीधा करना है। हाँ बैठिए मिस्टर पुट्टन। सर आपके पास लुंगी है? लुंगी? ये जरा को मेरा कपड़ा बहुत टाइट फट जाएगा। फिर तूने पाजी पट शुरू कर दिया। बैठ भैया। ये क्या बोली बोल रहे? जो जी में चाहेगा बोलेगा, मैं देखता हूँ तुम इसे बहनों ही कैसे नहीं बनाते। दीवान बहादुर जी तमीज से बात कीजिए, ये पुलिस जाओ। तुम खुद तमीज से बात करते हो, मुझे हवा साहब। शांत रहिए, शांत रहिए जरा। इंस्पेक्टर साहब बुरा ना मानिएगा, उस दिन के दंगल का असर इन पर अभी तक बाकी है, आप जरा ठंडे दिमाग से काम लीजिए। मिस्टर पुट्टन, मिस्टर पुट्टन बोलते क्यों नहीं तुम? आप बोलता हम सुनता, आप भी बोलो पुट्टन पुट्टन हम सुनता। देखो कत्ल तुम्हारा ना सही, किसी का तो जरूर हुआ है। ये बताओ उस लाश पर तुम्हारा कोट और घड़ी कैसे पाए गए? ये क्या बात करता जी, ये कोट अगर मेरा बाप ने पहना, हम किधर से पहनना? क्या कहा बदमाश? आप शांति रखिए साहब। इन अकलमंदों को समझाइए कि ये मामूली केस नहीं है, कानून से न खेले, वरना कोट और घड़ी की बिना पर हम कत्ल का शक इन पर भी कर सकते हैं। बा, 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 बा। मैं बताऊं तुम इस पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? क्योंकि खून तुमने किया जी। कल तक ये लाश था, अब ये कातिल बन गया है। मुझे तो तुम्हारे दिमाग पर शक होने लगा, तुम सीधे पागल खाने जाओ। दीवान बहादुर जी। सर आप पागल खाना जरूर जाना, साथ में ये मास्टर को भी लेकर जाना जी। अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि हम तुम्हें कहां भेजते हैं। हमको कोचिन भेजना सर, कोचिन। कोचिन? कोचिन क्या करता है? कोचिन में कौन लेता? कोचिन का तर मेरा अम्मा है। अयो मेरा हाथ।
भाई। इधर आ। जिंदा इधर इधर। बहुत दिन से पेपर नहीं पढ़ा, जरा पेपर देगा ले वो। क्या 12 दिसंबर हेलीकॉप्टर आने सिर्फ 3 दिन रह गए, बेचारा छुट्टन वहां अकेला होगा, कैसे इस चुड़ैल से पीछा छोड़ाऊं। मुत्त कोड़े कवाड़े हड़ा अय्यर प्यार में जाना करना चाह वो भी मुझे करना पड़ा। किन्दे करले तुम्हारा याद वापस आ गए? हाँ मेरे अंडे की कड़ी हमारा सब वापस आ गया। अयोड़ा बात भी अच्छा करता है। ये कर ले, तुम रोती क्यों? मैं रोती इसलिए क्योंकि ये अखबार में लिखा है। क्या लिखा है? मेरी माँ मुझे ढूंढते हुए भेंडी बाजार पहुँच गई, वहाँ प्लेन से टकरा कर उसकी टांग टूट गई है। क्या भेंडी बाजार का प्लेन का टांग टूट गई? अरे भेंडी बाजार का प्लेन का टांग नहीं, मेरी माँ की टांग टूट गई है। रो मत रो मत रो मत, माँ अभी जेजा हॉस्पिटल में, मैं उसको जाके लेकर आता हूँ। नहीं मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। क्यों? जिधर तुम उधर हो। तो इसका मतलब है कि मैं तुम बहू के साथ यहाँ बेटा खोजने आई थी? अरे अभी तो बहू भी घूम गया। अम्मा मेरा बेटा, ये तो मेरे बेटे की आवाज। मनी तू किधर है? हम पिंजरे के अंदर है। अयो मेरा बेटा को। ए माँ इधर कहाँ चली, वो दीवान बहादुर का बेटा है। अयो मेरा बेटा को मत छीनो जी, माँ बेटे को नहीं पहचानती क्या? यंटे अम्मा यंटे अम्मा यंटे अम्मा जय छोड़ा जी, मेरा माँ को छोड़ो पाला पाला यंटे अम्मा। अयो मेरा हीरा, ये क्या हल्ला गुल्ला हो रहा है? कुछ नहीं सर, ये बुढ़िया कहती है कि दीवान बहादुर का बेटा इसका बेटा है। क्या दीवान बहादुर का बेटा तुम्हारा बेटा है? हाँ साहब ये मेरा बेटा जी। यानी तुम उसकी माँ हो? नहीं तो क्या तेरा माँ है? वो मेरा माँ, मेरा बाप का औरत। हाँ जी ये सच मुझे मेरा बेटा है जी, इसको छोड़ दो, ये अच्छा आदमी है। ठीक है तो, इसको लेके हम कोचिंग चले जाते हैं। ठीक है चलिए। कहाँ जाता है? पापा पानी पीने। पानी? हाँ बैग में लाती हूँ। ये वही औरत है जो कहती है कि पुट्टन इसका लड़का है, और पुट्टन भी कहता है ये उसकी माँ है। ये गुत्थी तुमसे नहीं सुलझेगी इंस्पेक्टर, शायद मैं सुलझा सकूं। तुम्हारा एक ही बेटा है? मेरे दो बेटे एक जैसे दिखते। जुड़वा है? दोनों एक साथ पैदा हुए? अरे अरे जेल के अंदर मनी, दूसरा बेटा मेले में घूम गया। मेले में गुम हो गया? इलाहाबाद में। कुंभ के मेले में? अरे अरे आपको कैसे मालूम? ठहरो ठहरो ठहरो, 22 साल हुए। आपको कैसे मालूम जी? ये सब आपको कैसे मालूम? ठहरो यार मेरा जी घबरा रहा है। शाला मुझे तो डर लग रहा है, वो जो लाश
जेल में निकली शायद पुट्टन की। नहीं अंकल, ये कभी नहीं हो सकता। हो सकता है वो लोग आष्टा वाली स्कीम में फंस गए हो। चलिए अंकल चल के देखते। चलो चलो। मेरे दूसरे बेटे के बारे में इनको मालूम? ये किधर गए जी? शायद मेरी बहन पूनम को पता हो। We'll be right back.
पैदा ही हुए कमाल कर रहे दीवान बहादुर जी गोल का 10% यानी 50 लाख रुपया गवर्नमेंट इनको इनाम देगी। क्या सुबह कौन मनी कौन, मैं माँ के खुद के बेटे को नहीं पहचानता, लेकिन दोनों मेरा अमल है, हम तो दो नहीं ये एक बस।
तुम इंडे कर ले, इंडे कर ले। अरे इसमें मेरा पुट्टन कौन है? 22 वर्ष आपने पाले मम्मी, हाँ भी पहचानी है। मैं बताती हूँ, ये है पुट्टन, मेरे लाल। ठहरिए, मैं प्वाइंट निकाल के पता करता हूँ। तुम खटिया वकील हो या अदालत से, ये समझे ना? दीवान बहादुर जी, अगर आप कहें तो इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाकर पता लगाओ। ये पुलिस पुलिस का काम नहीं है, समझे? हटो यहाँ से। मैं पता लगाता हूँ। सच बता, तुम दोनों में से पुट्टन कौन है? बताओ वरना लुंगी उतार दूंगा, समझा? तो तुम दोनों मिले हुए हो? इस तरह ये लोग मानने वाले नहीं है, इनकी पिटाई होगी तब मानेंगे। कहाँ है मेरी छड़ी? वाह,